मेरे पापा जी मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ दीजिए ना मेरे लिए, जो मुझसे बहुत प्यार करे, प्लीज। तुमने जो किया, you know you'll never walk free. Freedom is a relative term. अंदर रहूं या बाहर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल तो पागल है, फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहा देखे से फ्री में। राहुल अन्नी शायद विशाल नृत्य मंडली के सदस्य है जो मुंबई में नृत्य आधारित संगीत नाटक प्रस्तुत करते हैं। निशा गुप्त रूप से राहुल से प्यार करती है, लेकिन बाहरी तौर पर ये सिर्फ सबसे अच्छे दोस्त है। राहुल ने माया नामक एक नए संगीत का निर्देशन करने के लिए अपनी इच्छा की घोषणा की। निशा सहित मंडली के सदस्यों को शीर्षक चरित्र माया के बारे में संदेह है, जिसे राहुल एक ऐसी लड़की के रूप में वर्णित करता है जो सच्चे प्यार में विश्वास करती है और जो अपने आकर्षक राजकुमार की प्रतीक्षा कर रही है, जिसके बारे में उनका मानना है कि वह निश्चित रूप से आएगा और उसे यहाँ से ले जाएगा। निशा को इस लड़की माया की भूमिका निभाने के लिए चुना गया है। मंडली एक नए सदस्य पूजा का स्वागत करती है जो एक अद्भुत नर्तकी है, साथ ही शास्त्रीय रूप से प्रशिक्षित है और नृत्य की शौकीन है। छोटी उम्र में अनाथ हो जाने के कारण पूजा का पालन पोषण उसके माता पिता की करीबी दोस्तों ने किया। पूजा और राहुल के बीच बार बार एक दूसरे से टकराने की स्थिति पैदा हो गई है। इनमें से प्रत्येक उदाहरण को पृष्ठभूमि में बजने वाली एक धुन द्वारा चिन्हित किया गया है जो पूजा के साथ पंजीकृत है। अपने पालक पूजा परिवार के प्यार करने वाली पूजा की जल्द ही उसके अभिभावक का बेटा अजय, उसका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त जो बरसों से लंदन में काम कर रहा है, जर्मनी ले जाता है। जैसे ही अजय लंदन वापस जाने के लिए निकलता है, वो पूजा को प्रपोज करता है। एक दुविधा में पूजा उसके विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। इस बीच आगामी नाटक के लिए रिहर्सल के दौरान निशा के पैर में चोट लग जाती है और डॉक्टर उसे बिस्तर पर आराम करने और कुछ महीनों तक नृत्य ना करने की सलाह देते हैं। नाटक में निशा की जगह लेने के लिए एक नई नर्तकी की तलाश में वो एक दिन पूजा को नृत्य करते हुए देखता है और मानता है कि वो इस भूमिका के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। वो उससे रिहर्सल में आने का आग्रह करता है और वह झिझक के बाद वो सहमत हो जाती है। आखिरकार राहुल और पूजा करीबी दोस्त बन गए। निशा जल्द ही अस्पताल से लौट आती है और परेशान होती है कि उसे बदल दिया गया है और ये जानकर बहुत ही ईर्ष्यालु हो जाती है कि राहुल पूजा को पसंद करता है। ये जानते हुए कि राहुल उसके प्यार का बदला नहीं लेता, वो अपने माता पिता से मिलने के लिए लंदन जाने का फैसला करती है। रिहर्सल के दौरान राहुल और पूजा एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। जब राहुल एक दिन पूजा को घर छोड़ता है तो वो अपनी धुन बजाना शुरू कर देता है, जिससे पूजा को एहसास होता है कि वो उस धुन वाले आदमी के प्यार में पड़ गई है जिसे वो अक्सर सुनती थी। अगले दिन दोनों पूजा के पुराने डांस ट्यूटर से मिलने जाते हैं, जिसे पूजा तय कहकर बुलाती है, जिससे पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। नृत्य मंडली के दो सदस्यों की शादी में राहुल और पूजा एक अंतरंग क्षण सजा करता है, लेकिन ये नहीं जानते कि एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार कैसे करें।
नाटक के प्रीमियर के कुछ दिन पहले अजय पूजा को आश्चर्यचकित करने के लिए रिहर्सल हॉल में पहुंचता है। वो सबको बताता है कि उसका मंगेतर है राहुल का दिल टूट गया है, लेकिन वो उसे जाहिर न करने की कोशिश करता है। निशा जो लंदन से लौटी है राहुल की बर्बादी को देखती है और बताती है कि कैसे वो भी तबाह हो गई थी जब उसने बदले में उससे प्यार नहीं किया। हमेशा सुखद अंत देने की अपनी सामान्य शैली के विपरीत राहुल ने अपने दुख को दर्शने के लिए नाटक के अंत को संपादित किया। प्रीमियर की रात जैसे ही राहुल और पूजा के पात्र मंच पर अलग होने वाले होते हैं, अजय एक रिकॉर्डेड टेप बजाता है जो पूजा उसे अपने प्रस्ताव से पहले भेजने वाली थी, जहां उसने बताया कि वो राहुल के बारे में कैसा महसूस करती है। अजय परोक्ष रूप से पूजा को बता रहा है कि वो और राहुल एक साथ रहने के लिए ही बने हैं। पूजा को अब एहसास हुआ कि वो वास्तव में राहुल से प्यार करती है और दोनों ने मंच पर अपने प्यार का इजहार किया और दर्शकों ने उनकी सराहना की, जिससे नाटक का एक बार फिर सुखद अंत हुआ। इसके अलावा मंच के पीछे अजय ने निशा से पूछा कि क्या वो पहले से शादीशुदा है या नहीं। अब बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। दिल तो पागल है फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहां देखें इसे फ्री में। राहुल और निशा एक विशाल नृत्य मंडली के सदस्य है जो मुंबई में नृत्य आधारित संगीत नाटक प्रस्तुत करते हैं। निशा गुप्त रूप से राहुल से प्यार करती है, लेकिन बाहरी तौर पर ये सिर्फ सबसे अच्छे दोस्त है। राहुल ने माया नामक एक नए संगीत का निर्देशन करने के लिए अपनी इच्छा की घोषणा की। निशा सहित मंडली के सदस्यों को शीर्षक चरित्र माया के बारे में संदेह है, जिसे राहुल एक ऐसी लड़की के रूप में वर्णित करता है जो सच्चे प्यार में विश्वास करती है और जो अपने आकर्षक राजकुमार की प्रतीक्षा कर रही है, जिसके बारे में उनका मानना है कि वह निश्चित रूप से आएगा और उसे यहाँ से ले जाएगा। निशा को इस लड़की माँ की भूमिका निभाने के लिए चुना गया है। मंडली एक नए सदस्य पूजा का स्वागत करती है जो एक अद्भुत नर्तकी है, साथ ही शास्त्रीय रूप से प्रशिक्षित है और नृत्य की शौकीन है। छोटी उम्र में अनाथ हो जाने के कारण पूजा का पालन पोषण उसके माता पिता की करीबी दोस्तों ने किया। पूजा और राहुल के बीच बार बार एक दूसरे से टकराने की स्थिति पैदा हो गई है। इनमें से प्रत्येक उदाहरण को पृष्ठभूमि में बजने वाली एक धुन द्वारा चिन्हित किया गया है जो पूजा के साथ पंजीकृत है। अपने पालक पूजा परिवार के प्यार करने वाली पूजा की जल्द ही उसके अभिभावक का बेटा अजय, उसका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त जो बरसों से लंदन में काम कर रहा है, जर्मनी ले जाता है। जैसे ही अजय लंदन वापस जाने के लिए निकलता है, वो पूजा को प्रपोज करता है। एक दुविधा में पूजा उसके विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। इस बीच आगामी नाटक के लिए रिहर्सल के दौरान निशा के पैर में चोट लग जाती है और डॉक्टर उसे बिस्तर पर आराम करने और कुछ महीनों तक नृत्य ना करने की सलाह देते हैं। नाटक में निशा की जगह लेने के लिए एक नई नर्तकी की तलाश में वो एक दिन पूजा को नृत्य करते हुए देखता है और मानता है कि वो इस भूमिका के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। वो उससे रिहर्सल में आने का आग्रह करता है और वह झिझक के बाद वो सहमत हो जाती है। आखिरकार राहुल और पूजा करीबी दोस्त बन गए। निशा जल्द ही अस्पताल से लौट आती है और परेशान होती है कि उसे बदल दिया गया है और ये जानकर बहुत ही ईर्ष्यालु हो जाती है कि राहुल पूजा को पसंद करता है। ये जानते हुए कि राहुल उसके प्यार का बदला नहीं लेता, वो अपने माता पिता से मिलने के लिए लंदन जाने का फैसला करती है। रिहर्सल के दौरान राहुल और पूजा एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। जब राहुल एक दिन पूजा को घर छोड़ता है तो वो अपनी धुन बजाना शुरू कर देता है, जिससे पूजा को एहसास होता है कि वो उस धुन वाले आदमी के प्यार में पड़ गई है जिसे वो अक्सर सुनती थी। अगले दिन दोनों पूजा के पुराने डांस ट्यूटर से मिलने जाते हैं, जिसे पूजा तय कहकर बुलाती है, जिससे पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। नृत्य मंडली के दो सदस्यों की शादी में राहुल और पूजा एक अंतरंग क्षण सजा करता है, लेकिन ये नहीं जानते कि एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार कैसे करे। नाटक के प्रीमियर के कुछ दिन पहले अजय पूजा को आश्चर्यचकित करने के लिए रिहर्सल हॉल में पहुंचता है। वो सबको बताता है कि उसका मंगेतर है राहुल का दिल टूट गया है, लेकिन वो उसे जाहिर न करने की कोशिश करता है। निशा जो लंदन से लौटी है राहुल की बर्बादी को
देखती है और बताती है कि कैसे वो भी तबाह हो गई थी जब उसने बदले में उससे प्यार नहीं किया। हमेशा सुखद अंत देने की अपनी सामान्य शैली के विपरीत राहुल ने अपने दुख को दर्शने के लिए नाटक के अंत को संपादित किया। प्रीमियर की रात जैसे ही राहुल और पूजा के पात्र मंच पर अलग होने वाले होते हैं, अजय एक रिकॉर्डेड टेप बजाता है जो पूजा उसे अपने प्रस्ताव से पहले भेजने वाली थी, जहां उसने बताया कि वो राहुल के बारे में कैसा महसूस करती है। अजय परोक्ष रूप से पूजा को बता रहा है कि वो और राहुल एक साथ रहने के लिए ही बने हैं। पूजा को अब एहसास हुआ कि वो वास्तव में राहुल से प्यार करती है और दोनों ने मंच पर अपने प्यार का इजहार किया और दर्शकों ने उनकी सराहना की, जिससे नाटक का एक बार फिर सुखद अंत हुआ। इसके अलावा मंच के बीच अजय ने निशा से पूछा कि क्या वो पहले से शादीशुदा है या नहीं। अब बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। दिल तो पागल है फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहां देखें इसे फ्री में। राहुल और निशा एक विशाल नृत्य मंडली के सदस्य है जो मुंबई में नृत्य आधारित संगीत नाटक प्रस्तुत करते हैं। निशा गुप्त रूप से राहुल से प्यार करती है, लेकिन बाहरी तौर पर ये सिर्फ सबसे अच्छे दोस्त है। राहुल ने माया नामक एक नए संगीत का निर्देशन करने के लिए अपनी इच्छा की घोषणा की। निशा सहित मंडली के सदस्यों को शीर्षक चरित्र माया के बारे में संदेह है, जिसे राहुल एक ऐसी लड़की के रूप में वर्णित करता है जो सच्चे प्यार में विश्वास करती है और जो अपने आकर्षक राजकुमार की प्रतीक्षा कर रही है, जिसके बारे में उनका मानना है कि वह निश्चित रूप से आएगा और उसे यहाँ से ले जाएगा। निशा को इस लड़की माया की भूमिका निभाने के लिए चुना गया है। मंडली एक नए सदस्य पूजा का स्वागत करती है जो एक अद्भुत नर्तकी है, साथ ही शास्त्रीय रूप से प्रशिक्षित है और नृत्य की शौकीन है। छोटी उम्र में अनाथ हो जाने के कारण पूजा का पालन पोषण उसके माता पिता की करीबी दोस्तों ने किया। पूजा और राहुल के बीच बार बार एक दूसरे से टकराने की स्थिति पैदा हो गई है। इनमें से प्रत्येक उदाहरण को पृष्ठभूमि में बजने वाली एक धुन द्वारा चिन्हित किया गया है जो पूजा के साथ पंजीकृत है। अपने पालक पूजा परिवार के प्यार करने वाली पूजा की जल्द ही उसके अभिभावक का बेटा अजय, उसका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त जो बरसों से लंदन में काम कर रहा है, जर्मनी ले जाता है। जैसे ही अजय लंदन वापस जाने के लिए निकलता है, वो पूजा को प्रपोज करता है। एक दुविधा में पूजा उसके विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। इस बीच आगामी नाटक के लिए रिहर्सल के दौरान निशा के पैर में चोट लग जाती है और डॉक्टर उसे बिस्तर पर आराम करने और कुछ महीनों तक नृत्य ना करने की सलाह देते हैं। नाटक में निशा की जगह लेने के लिए एक नई नर्तकी की तलाश में वो एक दिन पूजा को नृत्य करते हुए देखता है और मानता है कि वो इस भूमिका के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। वो उससे रिहर्सल में आने का आग्रह करता है और वह झिझक के बाद वो सहमत हो जाती है। आखिरकार राहुल और पूजा करीबी दोस्त बन गए। निशा जल्द ही अस्पताल से लौट आती है और परेशान होती है कि उसे बदल दिया गया है, और ये जानकर बहुत ही ईर्ष्यालु हो जाती है कि राहुल पूजा को पसंद करता है। ये जानते हुए कि राहुल उसके प्यार का बदला नहीं लेता, वो अपने माता पिता से मिलने के लिए लंदन जाने का फैसला करती है। रिहर्सल के दौरान राहुल और पूजा एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। जब राहुल एक दिन पूजा को घर छोड़ता है तो वो अपनी धुन बजाना शुरू कर देता है, जिससे पूजा को एहसास होता है कि वो उस धुन वाले आदमी के प्यार में पड़ गई है जिसे वो अक्सर सुनती थी। अगले दिन दोनों पूजा के पुराने डांस ट्यूटर से मिलने जाते हैं, जिसे पूजा तय कहकर बुलाती है, जिससे पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। नृत्य मंडली के दो सदस्यों की शादी में राहुल और पूजा एक अंतरंग क्षण सजा करता है, लेकिन ये नहीं जानते कि एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार कैसे करें। नाटक के प्रीमियर के कुछ दिन पहले अजय पूजा को आश्चर्यचकित करने के लिए रिहर्सल हॉल में पहुंचता है। वो सबको बताता है कि उसका मंगेतर है। राहुल का दिल टूट गया है, लेकिन वो उसे जाहिर न करने की कोशिश करता है। निशा जो लंदन से लौटी है, राहुल की बर्बादी को देखती है और बताती है कि कैसे वो भी तबाह हो गई थी जब उसने बदले में उससे प्यार नहीं किया। हमेशा सुखद अंत देने की अपनी सामान्य शैली के विपरीत राहुल ने अपने दुख को दर्शने के लिए नाटक के अंत को संपादित किया। प्रीमियर की रात जैसे ही राहुल और पूजा के पात्र मंच पर अलग होने वाले होते हैं, अजय एक
रिकॉर्डेड टेप बजाता है जो पूजा उसे अपने प्रस्ताव से पहले भेजने वाली थी। चाहा उसने बताया कि वो राहुल के बारे में कैसा महसूस करती है। अजय परोक्ष रूप से पूजा को बता रहा है कि वो और राहुल एक साथ रहने के लिए ही बने हैं। पूजा को अब एहसास हुआ कि वो वास्तव में राहुल से प्यार करती है और दोनों ने मंच पर अपने प्यार का इजहार किया और दर्शकों ने उनकी सराहना की, जिससे नाटक का एक बार फिर सुखद अंत हुआ। इसके अलावा मंच के बीच अजय ने निशा से पूछा कि क्या वो पहले से शादीशुदा है या नहीं। अब बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। दिल तो पागल है फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहा देखें इसे फ्री में। राहुल और निशा एक विशाल नृत्य मंडली के सदस्य है जो मुंबई में नृत्य आधारित संगीत नाटक प्रस्तुत करते हैं। निशा गुप्त रूप से राहुल से प्यार करती है, लेकिन बाहरी तौर पर ये सिर्फ सबसे अच्छे दोस्त है। राहुल ने माया नामक एक नए संगीत का निर्देशन करने के लिए अपनी इच्छा की घोषणा की। निशा सहित मंडली के सदस्यों को शीर्षक चरित्र माया के बारे में संदेह है, जिसे राहुल एक ऐसी लड़की के रूप में वर्णित करता है जो सच्चे प्यार में विश्वास करती है और जो अपने आकर्षक राजकुमार की प्रतीक्षा कर रही है, जिसके बारे में उनका मानना है कि वह निश्चित रूप से आएगा और उसे यहाँ से ले जाएगा। निशा को इस लड़की माया की भूमिका निभाने के लिए चुना गया है। मंडली एक नए सदस्य पूजा का स्वागत करती है जो एक अद्भुत नर्तकी है, साथ ही शास्त्रीय रूप से प्रशिक्षित है और नृत्य की शौकीन है। छोटी उम्र में अनाथ हो जाने के कारण पूजा का पालन पोषण उसके माता पिता की करीबी दोस्तों ने किया। पूजा और राहुल के बीच बार बार एक दूसरे से टकराने की स्थिति पैदा हो गई है। इनमें से प्रत्येक उदाहरण को पृष्ठभूमि में बजने वाली एक धुन द्वारा चिन्हित किया गया है जो पूजा के साथ पंजीकृत है। अपने पालक पूजा परिवार के प्यार करने वाली पूजा की जल्द ही उसके अभिभावक का बेटा अजय, उसका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त जो बरसों से लंदन में काम कर रहा है, जर्मनी ले जाता है। जैसे ही अजय लंदन वापस जाने के लिए निकलता है, वो पूजा को प्रपोज करता है। एक दुविधा में पूजा उसके विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। इस बीच आगामी नाटक के लिए रिहर्सल के दौरान निशा के पैर में चोट लग जाती है और डॉक्टर उसे बिस्तर पर आराम करने और कुछ महीनों तक नृत्य ना करने की सलाह देते हैं। नाटक में निशा की जगह लेने के लिए एक नई नर्तकी की तलाश में वो एक दिन पूजा को नृत्य करते हुए देखता है और मानता है कि वो इस भूमिका के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। वो उससे रिहर्सल में आने का आग्रह करता है और वह झिझक के बाद वो सहमत हो जाती है। आखिरकार राहुल और पूजा करीबी दोस्त बन गए। निशा जल्द ही अस्पताल से लौट आती है और परेशान होती है कि उसे बदल दिया गया है और ये जानकर बहुत ही ईर्ष्यालु हो जाती है कि राहुल पूजा को पसंद करता है। ये जानते हुए कि राहुल उसके प्यार का बदला नहीं लेता, वो अपने माता पिता से मिलने के लिए लंदन जाने का फैसला करती है। रिहर्सल के दौरान राहुल और पूजा एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। जब राहुल एक दिन पूजा को घर छोड़ता है तो वो अपनी धुन बजाना शुरू कर देता है, जिससे पूजा को एहसास होता है कि वो उस धुन वाले आदमी के प्यार में पड़ गई है जिसे वो अक्सर सुनती थी। अगले दिन दोनों पूजा के पुराने डांस ट्यूटर से मिलने जाते हैं, जिसे पूजा तय कहकर बुलाती है, जिससे पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। नृत्य मंडली के दो सदस्यों की शादी में राहुल और पूजा एक अंतरंग क्षण सजा करता है, लेकिन ये नहीं जानते कि एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार कैसे करे। नाटक के प्रीमियर के कुछ दिन पहले अजय पूजा को आश्चर्यचकित करने के लिए रिहर्सल हॉल में पहुंचता है। वो सबको बताता है कि उसका मंगेतर है, राहुल का दिल टूट गया है, लेकिन वो उसे जाहिर न करने की कोशिश करता है। निशा जो लंदन से लौटी है, राहुल की बर्बादी को देखती है और बताती है कि कैसे वो भी तबाह हो गई थी जब उसने बदले में उससे प्यार नहीं किया। हमेशा सुखद अंत देने की अपनी सामान्य शैली के विपरीत राहुल ने अपने दुख को दर्शने के लिए नाटक के अंत को संपादित किया। प्रीमियर की रात जैसे ही राहुल और पूजा के पात्र मंच पर अलग होने वाले होते हैं, अजय एक रिकॉर्डेड टेप बजाता है जो पूजा उसे अपने प्रस्ताव से पहले भेजने वाली थी। चाहा उसने बताया कि वो राहुल के बारे में कैसा महसूस करती है। अजय परोक्ष रूप से पूजा को बता रहा है कि वो और राहुल एक साथ रहने के लिए ही बने हैं। पूजा को अब एहसास हुआ कि वो वास्तव में राहुल से प्यार करती है और दोनों ने मंच पर अपने प्यार का इजहार किया और दर्शकों ने उनकी
सराहना की, जिस नाटक का एक बार फिर सुखद अंत हुआ। इसके अलावा मंच के बीच अजय ने निशा से पूछा कि क्या वो पहले से शादीशुदा है या नहीं। अब बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। दिल तो पागल है फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहा देखे इसे फ्री में। राहुल और निशा एक विशाल नृत्य मंडली के सदस्य है जो मुंबई में नृत्य आधारित संगीत नाटक प्रस्तुत करते हैं। निशा गुप्त रूप से राहुल से प्यार करती है, लेकिन बाहरी तौर पर ये सिर्फ सबसे अच्छे दोस्त है। राहुल ने माया नामक एक नए संगीत का निर्देशन करने के लिए अपनी इच्छा की घोषणा की। निशा सहित मंडली के सदस्यों को शीर्षक चरित्र माया के बारे में संदेह है, जिसे राहुल एक ऐसी लड़की के रूप में वर्णित करता है जो सच्चे प्यार में विश्वास करती है और जो अपने आकर्षक राजकुमार की प्रतीक्षा कर रही है, जिसके बारे में उनका मानना है कि वह निश्चित रूप से आएगा और उसे यहाँ से ले जाएगा। निशा को इस लड़की माया की भूमिका निभाने के लिए चुना गया है। मंडली एक नए सदस्य पूजा का स्वागत करती है जो एक अद्भुत नर्तकी है, साथ ही शास्त्रीय रूप से प्रशिक्षित है और नृत्य की शौकीन है। छोटी उम्र में अनाथ हो जाने के कारण पूजा का पालन पोषण उसके माता पिता की करीबी दोस्तों ने किया। पूजा और राहुल के बीच बार बार एक दूसरे से टकराने की स्थिति पैदा हो गई है। इनमें से प्रत्येक उदाहरण को पृष्ठभूमि में बजने वाली एक धुन द्वारा चिन्हित किया गया है जो पूजा के साथ पंजीकृत है। अपने पालक पूजा परिवार के प्यार करने वाली पूजा की जल्द ही उसके अभिभावक का बेटा अजय, उसका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त जो बरसों से लंदन में काम कर रहा है, जर्मनी ले जाता है। जैसे ही अजय लंदन वापस जाने के लिए निकलता है, वो पूजा को प्रपोज करता है। एक दुविधा में पूजा उसके विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। इस बीच आगामी नाटक के लिए रिहर्सल के दौरान निशा के पैर में चोट लग जाती है और डॉक्टर उसे बिस्तर पर आराम करने और कुछ महीनों तक नृत्य ना करने की सलाह देते हैं। नाटक में निशा की जगह लेने के लिए एक नई नर्तकी की तलाश में वो एक दिन पूजा को नृत्य करते हुए देखता है और मानता है कि वो इस भूमिका के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। वो उससे रिहर्सल में आने का आग्रह करता है और वह झिझक के बाद वो सहमत हो जाती है। आखिरकार राहुल और पूजा करीबी दोस्त बन गए। निशा जल्द ही अस्पताल से लौट आती है और परेशान होती है कि उसे बदल दिया गया है और ये जानकर बहुत ही ईर्ष्यालु हो जाती है कि राहुल पूजा को पसंद करता है। ये जानते हुए कि राहुल उसके प्यार का बदला नहीं लेता, वो अपने माता पिता से मिलने के लिए लंदन जाने का फैसला करती है। रिहर्सल के दौरान राहुल और पूजा एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। जब राहुल एक दिन पूजा को घर छोड़ता है तो वो अपनी धुन बजाना शुरू कर देता है, जिससे पूजा को एहसास होता है कि वो उस धुन वाले आदमी के प्यार में पड़ गई है जिसे वो अक्सर सुनती थी। अगले दिन दोनों पूजा के पुराने डांस ट्यूटर से मिलने जाते हैं, जिसे पूजा ताय कहकर बुलाती है, जिससे पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। नृत्य मंडली के दो सदस्यों की शादी में राहुल और पूजा एक अंतरंग क्षण सजा करता है, लेकिन ये नहीं जानते कि एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार कैसे करे। नाटक के प्रीमियर के कुछ दिन पहले अजय पूजा को आश्चर्यचकित करने के लिए रिहर्सल हॉल में पहुंचता है। वो सबको बताता है कि उसका मंगेतर है, राहुल का दिल टूट गया है, लेकिन वो उसे जाहिर न करने की कोशिश करता है। निशा जो लंदन से लौटी है, राहुल की बर्बादी को देखती है और बताती है कि कैसे वो भी तबाह हो गई थी जब उसने बदले में उससे प्यार नहीं किया। हमेशा सुखद अंत देने की अपनी सामान्य शैली के विपरीत राहुल ने अपने दुख को दर्शने के लिए नाटक के अंत को संपादित किया। प्रीमियर की रात जैसे ही राहुल और पूजा के पात्र मंच पर अलग होने वाले होते हैं, अजय एक रिकॉर्डेड टेप बजाता है जो पूजा उसे अपने प्रस्ताव से पहले भेजने वाली थी, जहां उसने बताया कि वो राहुल के बारे में कैसा महसूस करती है। अजय परोक्ष रूप से पूजा को बता रहा है कि वो और राहुल एक साथ रहने के लिए ही बने हैं। पूजा को अब एहसास हुआ कि वो वास्तव में राहुल से प्यार करती है और दोनों ने मंच पर अपने प्यार का इजहार किया और दर्शकों ने उनकी सराहना की, जिससे नाटक का एक बार फिर सुखद अंत हुआ। इसके अलावा मंच के बीच अजय ने निशा से पूछा कि क्या वो पहले से शादीशुदा है या नहीं। अब बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है।
दिल तो पागल है फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहा देखे इसे फ्री में। राहुल अन्नी शायद विशाल नृत्य मंडली के सदस्य है जो मुंबई में नृत्य आधारित संगीत नाटक प्रस्तुत करते हैं। निशा गुप्त रूप से राहुल से प्यार करती है, लेकिन बाहरी तौर पर ये सिर्फ सबसे अच्छे दोस्त है। राहुल ने माया नामक एक नए संगीत का निर्देशन करने के लिए अपनी इच्छा की घोषणा की। निशा सहित मंडली के सदस्यों को शीर्षक चरित्र माया के बारे में संदेह है, जिसे राहुल एक ऐसी लड़की के रूप में वर्णित करता है जो सच्चे प्यार में विश्वास करती है और जो अपने आकर्षक राजकुमार की प्रतीक्षा कर रही है, जिसके बारे में उनका मानना है कि वह निश्चित रूप से आएगा और उसे यहाँ से ले जाएगा। निशा को इस लड़की माया की भूमिका निभाने के लिए चुना गया है। मंडली एक नए सदस्य पूजा का स्वागत करती है जो एक अद्भुत नर्तकी है, साथ ही शास्त्रीय रूप से प्रशिक्षित है और नृत्य की शौकीन है। छोटी उम्र में अनाथ हो जाने के कारण पूजा का पालन पोषण उसके माता पिता की करीबी दोस्तों ने किया। पूजा और राहुल के बीच बार बार एक दूसरे से टकराने की स्थिति पैदा हो गई है। इनमें से प्रत्येक उदाहरण को पृष्ठभूमि में बजने वाली एक धुन द्वारा चिन्हित किया गया है जो पूजा के साथ पंजीकृत है। अपने पालक पूजा परिवार के प्यार करने वाली पूजा की जल्द ही उसके अभिभावक का बेटा अजय, उसका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त जो बरसों से लंदन में काम कर रहा है, जर्मनी ले जाता है। जैसे ही अजय लंदन वापस जाने के लिए निकलता है, वो पूजा को प्रपोज करता है। एक दुविधा में पूजा उसके विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। इस बीच आगामी नाटक के लिए रिहर्सल के दौरान निशा के पैर में चोट लग जाती है और डॉक्टर उसे बिस्तर पर आराम करने और कुछ महीनों तक नृत्य ना करने की सलाह देते हैं। नाटक में निशा की जगह लेने के लिए एक नई नर्तकी की तलाश में वो एक दिन पूजा को नृत्य करते हुए देखता है और मानता है कि वो इस भूमिका के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। वो उससे रिहर्सल में आने का आग्रह करता है और वह झिझक के बाद वो सहमत हो जाती है। आखिरकार राहुल और पूजा करीबी दोस्त बन गए। निशा जल्द ही अस्पताल से लौट आती है और परेशान होती है कि उसे बदल दिया गया है, और ये जानकर बहुत ही ईर्ष्यालु हो जाती है कि राहुल पूजा को पसंद करता है। ये जानते हुए कि राहुल उसके प्यार का बदला नहीं लेता, वो अपने माता पिता से मिलने के लिए लंदन जाने का फैसला करती है। रिहर्सल के दौरान राहुल और पूजा एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। जब राहुल एक दिन पूजा को घर छोड़ता है तो वो अपनी धुन बजाना शुरू कर देता है, जिससे पूजा को एहसास होता है कि वो उस धुन वाले आदमी के प्यार में पड़ गई है जिसे वो अक्सर सुनती थी। अगले दिन दोनों पूजा के पुराने डांस ट्यूटर से मिलने जाते हैं, जिसे पूजा तय कहकर बुलाती है, जिससे पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। नृत्य मंडली के दो सदस्यों की शादी में राहुल और पूजा एक अंतरंग क्षण सजा करता है, लेकिन ये नहीं जानते कि एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार कैसे करे। नाटक के प्रीमियर के कुछ दिन पहले अजय पूजा को आश्चर्यचकित करने के लिए रिहर्सल हॉल में पहुंचता है। वो सबको बताता है कि उसका मंगेतर है। राहुल का दिल टूट गया है, लेकिन वो उसे जाहिर न करने की कोशिश करता है। निशा जो लंदन से लौटी है, राहुल की बर्बादी को देखती है और बताती है कि कैसे वो भी तबाह हो गई थी जब उसने बदले में उससे प्यार नहीं किया। हमेशा सुखद अंत देने की अपनी सामान्य शैली के विपरीत राहुल ने अपने दुख को दर्शने के लिए नाटक के अंत को संपादित किया। प्रीमियर की रात जैसे ही राहुल और पूजा के पात्र मंच पर अलग होने वाले होते हैं, अजय एक रिकॉर्डेड टेप बजाता है जो पूजा उसे अपने प्रस्ताव से पहले भेजने वाली थी, जहां उसने बताया कि वो राहुल के बारे में कैसा महसूस करती है। अजय परोक्ष रूप से पूजा को बता रहा है कि वो और राहुल एक साथ रहने के लिए ही बने हैं। पूजा को अब एहसास हुआ कि वो वास्तव में राहुल से प्यार करती है और दोनों ने मंच पर अपने प्यार का इजहार किया और दर्शकों ने उनकी सराहना की, जिससे नाटक का एक बार फिर सुखद अंत हुआ। इसके अलावा मंच के पीछे अजय ने निशा से पूछा कि क्या वो पहले से शादीशुदा है या नहीं। अब बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है।
दिल तो पागल है फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहा देखे इसे फ्री में। राहुल अन्नी शायद विशाल नृत्य मंडली के सदस्य है जो मुंबई में नृत्य आधारित संगीत नाटक प्रस्तुत करते हैं। निशा गुप्त रूप से राहुल से प्यार करती है, लेकिन बाहरी तौर पर ये सिर्फ सबसे अच्छे दोस्त है। राहुल ने माया नामक एक नए संगीत का निर्देशन करने के लिए अपनी इच्छा की घोषणा की। निशा सहित मंडली के सदस्यों को शीर्षक चरित्र माया के बारे में संदेह है, जिसे राहुल एक ऐसी लड़की के रूप में वर्णित करता है जो सच्चे प्यार में विश्वास करती है और जो अपने आकर्षक राजकुमार की प्रतीक्षा कर रही है, जिसके बारे में उनका मानना है कि वह निश्चित रूप से आएगा और उसे यहाँ से ले जाएगा। निशा को इस लड़की माया की भूमिका निभाने के लिए चुना गया है। मंडली एक नए सदस्य पूजा का स्वागत करती है जो एक अद्भुत नर्तकी है, साथ ही शास्त्रीय रूप से प्रशिक्षित है और नृत्य की शौकीन है। छोटी उम्र में अनाथ हो जाने के कारण पूजा का पालन पोषण उसके माता पिता की करीबी दोस्तों ने किया। पूजा और राहुल के बीच बार बार एक दूसरे से टकराने की स्थिति पैदा हो गई है। इनमें से प्रत्येक उदाहरण को पृष्ठभूमि में बजने वाली एक धुन द्वारा चिन्हित किया गया है जो पूजा के साथ पंजीकृत है। अपने पालक पूजा परिवार के प्यार करने वाली पूजा की जल्द ही उसके अभिभावक का बेटा अजय, उसका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त जो बरसों से लंदन में काम कर रहा है, जर्मनी ले जाता है। जैसे ही अजय लंदन वापस जाने के लिए निकलता है, वो पूजा को प्रपोज करता है। एक दुविधा में पूजा उसके विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। इस बीच आगामी नाटक के लिए रिहर्सल के दौरान निशा के पैर में चोट लग जाती है और डॉक्टर उसे बिस्तर पर आराम करने और कुछ महीनों तक नृत्य ना करने की सलाह देते हैं। नाटक में निशा की जगह लेने के लिए एक नई नर्तकी की तलाश में वो एक दिन पूजा को नृत्य करते हुए देखता है और मानता है कि वो इस भूमिका के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। वो उससे रिहर्सल में आने का आग्रह करता है और वह झिझक के बाद वो सहमत हो जाती है। आखिरकार राहुल और पूजा करीबी दोस्त बन गए। निशा जल्द ही अस्पताल से लौट आती है और परेशान होती है कि उसे बदल दिया गया है, और ये जानकर बहुत ही ईर्ष्यालु हो जाती है कि राहुल पूजा को पसंद करता है। ये जानते हुए कि राहुल उसके प्यार का बदला नहीं लेता, वो अपने माता पिता से मिलने के लिए लंदन जाने का फैसला करती है। रिहर्सल के दौरान राहुल और पूजा एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। जब राहुल एक दिन पूजा को घर छोड़ता है तो वो अपनी धुन बजाना शुरू कर देता है, जिससे पूजा को एहसास होता है कि वो उस धुन वाले आदमी के प्यार में पड़ गई है जिसे वो अक्सर सुनती थी। अगले दिन दोनों पूजा के पुराने डांस ट्यूटर से मिलने जाते हैं, जिसे पूजा तय कहकर बुलाती है, जिससे पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। नृत्य मंडली के दो सदस्यों की शादी में राहुल और पूजा एक अंतरंग क्षण सजा करता है, लेकिन ये नहीं जानते कि एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार कैसे करे। नाटक के प्रीमियर के कुछ दिन पहले अजय पूजा को आश्चर्यचकित करने के लिए रिहर्सल हॉल में पहुंचता है। वो सबको बताता है कि उसका मंगेतर है। राहुल का दिल टूट गया है, लेकिन वो उसे जाहिर न करने की कोशिश करता है। निशा जो लंदन से लौटी है, राहुल की बर्बादी को देखती है और बताती है कि कैसे वो भी तबाह हो गई थी जब उसने बदले में उससे प्यार नहीं किया। हमेशा सुखद अंत देने की अपनी सामान्य शैली के विपरीत राहुल ने अपने दुख को दर्शने के लिए नाटक के अंत को संपादित किया। प्रीमियर की रात जैसे ही राहुल और पूजा के पात्र मंच पर अलग होने वाले होते हैं, अजय एक रिकॉर्डेड टेप बजाता है जो पूजा उसे अपने प्रस्ताव से पहले भेजने वाली थी, जहां उसने बताया कि वो राहुल के बारे में कैसा महसूस करती है। अजय परोक्ष रूप से पूजा को बता रहा है कि वो और राहुल एक साथ रहने के लिए ही बने हैं। पूजा को अब एहसास हुआ कि वो वास्तव में राहुल से प्यार करती है और दोनों ने मंच पर अपने प्यार का इजहार किया और दर्शकों ने उनकी सराहना की, जिससे नाटक का एक बार फिर सुखद अंत हुआ। इसके अलावा मंच के पीछे अजय ने निशा से पूछा कि क्या वो पहले से शादीशुदा है या नहीं। अब बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। दिल तो पागल है फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहा देखे इसे फ्री में। राहुल अन्नी शायद विशाल नृत्य मंडली के सदस्य है जो मुंबई में नृत्य आधारित संगीत नाटक प्रस्तुत करते हैं। निशा गुप्त रूप से राहुल से प्यार करती है, लेकिन बाहरी तौर पर ये सिर्फ सबसे अच्छे दोस्त है।
राहुल ने माया नामक एक नए संगीत का निर्देशन करने के लिए अपनी इच्छा की घोषणा की। निशा सहित मंडली के सदस्यों को शीर्षक चरित्र माया के बारे में संदेह है, जिसे राहुल एक ऐसी लड़की के रूप में वर्णित करता है जो सच्चे प्यार में विश्वास करती है और जो अपने आकर्षक राजकुमार की प्रतीक्षा कर रही है, जिसके बारे में उनका मानना है कि वह निश्चित रूप से आएगा और उसे यहाँ से ले जाएगा। निशा को इस लड़की माया की भूमिका निभाने के लिए चुना गया है। मंडली एक नए सदस्य पूजा का स्वागत करती है, जो एक अद्भुत नर्तकी है, साथ ही शास्त्रीय रूप से प्रशिक्षित है और नृत्य की शौकीन है। छोटी उम्र में अनाथ हो जाने के कारण पूजा का पालन पोषण उसके माता पिता की करीबी दोस्तों ने किया। पूजा और राहुल के बीच बार बार एक दूसरे से टकराने की स्थिति पैदा हो गई है। इनमें से प्रत्येक उदाहरण को पृष्ठभूमि में बजने वाली एक धुन द्वारा चिन्हित किया गया है, जो पूजा के साथ पंजीकृत है। अपने पालक पूजा परिवार के प्यार करने वाली पूजा की जल्द ही उसके अभिभावक का बेटा अजय, उसका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त जो बरसों से लंदन में काम कर रहा है, जर्मनी ले जाता है। जैसे ही अजय लंदन वापस जाने के लिए निकलता है, वो पूजा को प्रपोज करता है। एक दुविधा में पूजा उसके विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। इस बीच आगामी नाटक के लिए रिहर्सल के दौरान निशा के पैर में चोट लग जाती है और डॉक्टर उसे बिस्तर पर आराम करने और कुछ महीनों तक नृत्य ना करने की सलाह देते हैं। नाटक में निशा की जगह लेने के लिए एक नई नर्तकी की तलाश में वो एक दिन पूजा को नृत्य करते हुए देखता है और मानता है कि वो इस भूमिका के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। वो उससे रिहर्सल में आने का आग्रह करता है और वह झिझक के बाद वो सहमत हो जाती है। आखिरकार राहुल और पूजा करीबी दोस्त बन गए। निशा जल्द ही अस्पताल से लौट आती है और परेशान होती है कि उसे बदल दिया गया है, और ये जानकर बहुत ही ईर्ष्यालु हो जाती है कि राहुल पूजा को पसंद करता है। ये जानते हुए कि राहुल उसके प्यार का बदला नहीं लेता, वो अपने माता पिता से मिलने के लिए लंदन जाने का फैसला करती है। रिहर्सल के दौरान राहुल और पूजा एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। जब राहुल एक दिन पूजा को घर छोड़ता है तो वो अपनी धुन बजाना शुरू कर देता है, जिससे पूजा को एहसास होता है कि वो उस धुन वाले आदमी के प्यार में पड़ गई है, जिसे वो अक्सर सुनती थी। अगले दिन दोनों पूजा के पुराने डांस ट्यूटर से मिलने जाते हैं, जिसे पूजा तय कहकर बुलाती है, जिससे पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। नृत्य मंडली के दो सदस्यों की शादी में राहुल और पूजा एक अंतरंग क्षण सजा करता है, लेकिन ये नहीं जानते कि एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार कैसे करे। नाटक के प्रीमियर के कुछ दिन पहले अजय पूजा को आश्चर्यचकित करने के लिए रिहर्सल हॉल में पहुंचता है। वो सबको बताता है कि उसका मंगेतर है, राहुल का दिल टूट गया है, लेकिन वो उसे जाहिर न करने की कोशिश करता है। निशा जो लंदन से लौटी है, राहुल की बर्बादी को देखती है और बताती है कि कैसे वो भी तबाह हो गई थी जब उसने बदले में उससे प्यार नहीं किया। हमेशा सुखद अंत देने की अपनी सामान्य शैली के विपरीत राहुल ने अपने दुख को दर्शने के लिए नाटक के अंत को संपादित किया। प्रीमियर की रात जैसे ही राहुल और पूजा के पात्र मंच पर अलग होने वाले होते हैं, अजय एक रिकॉर्डेड टेप बजाता है जो पूजा उसे अपने प्रस्ताव से पहले भेजने वाली थी, जहां उसने बताया कि वो राहुल के बारे में कैसा महसूस करती है। अजय परोक्ष रूप से पूजा को बता रहा है कि वो और राहुल एक साथ रहने के लिए ही बने हैं। पूजा को अब एहसास हुआ कि वो वास्तव में राहुल से प्यार करती है और दोनों ने मंच पर अपने प्यार का इजहार किया और दर्शकों ने उनकी सराहना की, जिससे नाटक का एक बार फिर सुखद अंत हुआ। इसके अलावा मंच के पीछे अजय ने निशा से पूछा कि क्या वो पहले से शादीशुदा है या नहीं। अब बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। दिल तो पागल है फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहां देखें इसे फ्री में। राहुल और निशा एक विशाल नृत्य मंडली के सदस्य है जो मुंबई में नृत्य आधारित संगीत नाटक प्रस्तुत करते हैं। निशा गुप्त रूप से राहुल से प्यार करती है, लेकिन बाहरी तौर पर ये सिर्फ सबसे अच्छे दोस्त है। राहुल ने माया नामक एक नए संगीत का निर्देशन करने के लिए अपनी इच्छा की घोषणा की। निशा सहित मंडली के सदस्यों को शीर्षक चरित्र माया के बारे में संदेह है, जिसे राहुल एक ऐसी लड़की के रूप में वर्णित करता है जो सच्चे प्यार में विश्वास करती है और जो अपने आकर्षक राजकुमार की प्रतीक्षा कर रही है, जिसके बारे में उनका मानना है कि वह निश्चित रूप से आएगा और उसे यहाँ से ले जाएगा। निशा को इस
की माँ की भूमिका निभाने के लिए चुना गया है। मंडली एक नए सदस्य पूजा का स्वागत करती है जो एक अद्भुत नर्तकी है, साथ ही शास्त्रीय रूप से प्रशिक्षित है और नृत्य की शौकीन है। छोटी उम्र में अनाथ हो जाने के कारण पूजा का पालन पोषण उसके माता पिता की करीबी दोस्तों ने किया। पूजा और राहुल के बीच बार बार एक दूसरे से टकराने की स्थिति पैदा हो गई है। इनमें से प्रत्येक उदाहरण को पृष्ठभूमि में बजने वाली एक धुन द्वारा चिन्हित किया गया है जो पूजा के साथ पंजीकृत है। अपने पालक पूजा परिवार के प्यार करने वाली पूजा की जल्द ही उसके अभिभावक का बेटा अजय, उसका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त जो बरसों से लंदन में काम कर रहा है, जर्मनी ले जाता है। जैसे ही अजय लंदन वापस जाने के लिए निकलता है वो पूजा को प्रपोज करता है। एक दुविधा में पूजा उसके विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। इस बीच आगामी नाटक के लिए रिहर्सल के दौरान निशा के पैर में चोट लग जाती है और डॉक्टर उसे बिस्तर पर आराम करने और कुछ महीनों तक नृत्य ना करने की सलाह देते हैं। नाटक में निशा की जगह लेने के लिए एक नई नर्तकी की तलाश में वो एक दिन पूजा को नृत्य करते हुए देखता है और मानता है कि वो इस भूमिका के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। वो उससे रिहर्सल में आने का आग्रह करता है और वह झिझक के बाद वो सहमत हो जाती है। आखिरकार राहुल और पूजा करीबी दोस्त बन गए। निशा जल्द ही अस्पताल से लौट आती है और परेशान होती है कि उसे बदल दिया गया है और ये जानकर बहुत ही ईर्ष्यालु हो जाती है कि राहुल पूजा को पसंद करता है। ये जानते हुए कि राहुल उसके प्यार का बदला नहीं लेता, वो अपने माता पिता से मिलने के लिए लंदन जाने का फैसला करती है। रिहर्सल के दौरान राहुल और पूजा एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। जब राहुल एक दिन पूजा को घर छोड़ता है तो वो अपनी धुन बजाना शुरू कर देता है, जिससे पूजा को एहसास होता है कि वो उस धुन वाले आदमी के प्यार में पड़ गई है जिसे वो अक्सर सुनती थी। अगले दिन दोनों पूजा के पुराने डांस ट्यूटर से मिलने जाते हैं, जिसे पूजा तय कहकर बुलाती है, जिससे पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। नृत्य मंडली के दो सदस्यों की शादी में राहुल और पूजा एक अंतरंग क्षण सजा करता है, लेकिन ये नहीं जानते कि एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार कैसे करे। नाटक के प्रीमियर के कुछ दिन पहले अजय पूजा को आश्चर्यचकित करने के लिए रिहर्सल हॉल में पहुंचता है। वो सबको बताता है कि उसका मंगेतर है राहुल का दिल टूट गया है, लेकिन वो उसे जाहिर न करने की कोशिश करता है। निशा जो लंदन से लौटी है राहुल की बर्बादी को देखती है और बताती है कि कैसे वो भी तबाह हो गई थी जब उसने बदले में उससे प्यार नहीं किया। हमेशा सुखद अंत देने की अपनी सामान्य शैली के विपरीत राहुल ने अपने दुख को दर्शने के लिए नाटक के अंत को संपादित किया। प्रीमियर की रात जैसे ही राहुल और पूजा के पात्र मंच पर अलग होने वाले होते हैं, अजय एक रिकॉर्डेड टेप बजाता है जो पूजा उसे अपने प्रस्ताव से पहले भेजने वाली थी, जहां उसने बताया कि वो राहुल के बारे में कैसा महसूस करती है। अजय परोक्ष रूप से पूजा को बता रहा है कि वो और राहुल एक साथ रहने के लिए ही बने हैं। पूजा को अब एहसास हुआ कि वो वास्तव में राहुल से प्यार करती है और दोनों ने मंच पर अपने प्यार का इजहार किया और दर्शकों ने उनकी सराहना की, जिससे नाटक का एक बार फिर सुखद अंत हुआ। इसके अलावा मंच के पीछे अजय ने निशा से पूछा कि क्या वो पहले से शादीशुदा है या नहीं। अब बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। दिल तो पागल है फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहां देखें इसे फ्री में। राहुल और निशा एक विशाल नृत्य मंडली के सदस्य है जो मुंबई में नृत्य आधारित संगीत नाटक प्रस्तुत करते हैं। निशा गुप्त रूप से राहुल से प्यार करती है, लेकिन बाहरी तौर पर ये सिर्फ सबसे अच्छे दोस्त है। राहुल ने माया नामक एक नए संगीत का निर्देशन करने के लिए अपनी इच्छा की घोषणा की। निशा सहित मंडली के सदस्यों को शीर्षक चरित्र माया के बारे में संदेह है, जिसे राहुल एक ऐसी लड़की के रूप में वर्णित करता है जो सच्चे प्यार में विश्वास करती है और जो अपने आकर्षक राजकुमार की प्रतीक्षा कर रही है, जिसके बारे में उनका मानना है कि वह निश्चित रूप से आएगा और उसे यहाँ से ले जाएगा। निशा को इस लड़की माया की भूमिका निभाने के लिए चुना गया है। मंडली एक नए सदस्य पूजा का स्वागत करती है जो एक अद्भुत नर्तकी है, साथ ही शास्त्रीय रूप से प्रशिक्षित है और नृत्य की शौकीन है। छोटी उम्र में अनाथ हो जाने के कारण पूजा का पालन पोषण उसके माता पिता की करीबी दोस्तों ने किया। पूजा और राहुल के बीच बार बार एक दूसरे से टकराने की स्थिति पैदा हो गई है। इनमें से प्रत्येक उदाहरण को पृष्ठभूमि में
बजने वाली एक धुन द्वारा चिन्हित किया गया है जो पूजा के साथ पंजीकृत है। अपने पालक पूजा परिवार के प्यार करने वाली पूजा की जल्द ही उसके अभिभावक का बेटा अजय, उसका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त जो बरसों से लंदन में काम कर रहा है, जर्मनी ले जाता है। जैसे ही अजय लंदन वापस जाने के लिए निकलता है, वो पूजा को प्रपोज करता है। एक दुविधा में पूजा उसके विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। इस बीच आगामी नाटक के लिए रिहर्सल के दौरान निशा के पैर में चोट लग जाती है और डॉक्टर उसे बिस्तर पर आराम करने और कुछ महीनों तक नृत्य ना करने की सलाह देते हैं। नाटक में निशा की जगह लेने के लिए एक नई नर्तकी की तलाश में वो एक दिन पूजा को नृत्य करते हुए देखता है और मानता है कि वो इस भूमिका के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। वो उससे रिहर्सल में आने का आग्रह करता है और वह झिझक के बाद वो सहमत हो जाती है। आखिरकार राहुल और पूजा करीबी दोस्त बन गए। निशा जल्द ही अस्पताल से लौट आती है और परेशान होती है कि उसे बदल दिया गया है और ये जानकर बहुत ही ईर्ष्यालु हो जाती है कि राहुल पूजा को पसंद करता है। ये जानते हुए कि राहुल उसके प्यार का बदला नहीं लेता, वो अपने माता पिता से मिलने के लिए लंदन जाने का फैसला करती है। रिहर्सल के दौरान राहुल और पूजा एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। जब राहुल एक दिन पूजा को घर छोड़ता है तो वो अपनी धुन बजाना शुरू कर देता है, जिससे पूजा को एहसास होता है कि वो उस धुन वाले आदमी के प्यार में पड़ गई है जिसे वो अक्सर सुनती थी। अगले दिन दोनों पूजा के पुराने डांस ट्यूटर से मिलने जाते हैं, जिसे पूजा तय कहकर बुलाती है, जिससे पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। नृत्य मंडली के दो सदस्य की शादी में राहुल और पूजा एक अंतरंग क्षण सजा करता है, लेकिन ये नहीं जानते कि एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार कैसे करे। नाटक के प्रीमियर के कुछ दिन पहले अजय पूजा को आश्चर्यचकित करने के लिए रिहर्सल हॉल में पहुंचता है। वो सबको बताता है कि उसका मंगेतर है राहुल का दिल टूट गया है, लेकिन वो उसे जाहिर न करने की कोशिश करता है। निशा जो लंदन से लौटी है, राहुल की बर्बादी को देखती है और बताती है कि कैसे वो भी तबाह हो गई थी जब उसने बदले में उससे प्यार नहीं किया। हमेशा सुखद अंत देने की अपनी सामान्य शैली के विपरीत राहुल ने अपने दुख को दर्शने के लिए नाटक के अंत को संपादित किया। प्रीमियर की रात जैसे ही राहुल और पूजा के पात्र मंच पर अलग होने वाले होते हैं, अजय एक रिकॉर्डेड टेप बजाता है जो पूजा उसे अपने प्रस्ताव से पहले भेजने वाली थी, जहां उसने बताया कि वो राहुल के बारे में कैसा महसूस करती है। अजय परोक्ष रूप से पूजा को बता रहा है कि वो और राहुल एक साथ रहने के लिए ही बने हैं। पूजा को अब एहसास हुआ कि वो वास्तव में राहुल से प्यार करती है और दोनों ने मंच पर अपने प्यार का इजहार किया और दर्शकों ने उनकी सराहना की, जिससे नाटक का एक बार फिर सुखद अंत हुआ। इसके अलावा मंच के पीछे अजय ने निशा से पूछा कि क्या वो पहले से शादीशुदा है या नहीं। अब बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। दिल तो पागल है फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहां देखें इसे फ्री में। राहुल और निशा एक विशाल नृत्य मंडली के सदस्य है जो मुंबई में नृत्य आधारित संगीत नाटक प्रस्तुत करते हैं। निशा गुप्त रूप से राहुल से प्यार करती है, लेकिन बाहरी तौर पर ये सिर्फ सबसे अच्छे दोस्त है। राहुल ने माया नामक एक नए संगीत का निर्देशन करने के लिए अपनी इच्छा की घोषणा की। निशा सहित मंडली के सदस्यों को शीर्षक चरित्र माया के बारे में संदेह है, जिसे राहुल एक ऐसी लड़की के रूप में वर्णित करता है जो सच्चे प्यार में विश्वास करती है और जो अपने आकर्षक राजकुमार की प्रतीक्षा कर रही है, जिसके बारे में उनका मानना है कि वह निश्चित रूप से आएगा और उसे यहाँ से ले जाएगा। निशा को इस लड़की माया की भूमिका निभाने के लिए चुना गया है। मंडली एक नए सदस्य पूजा का स्वागत करती है जो एक अद्भुत नर्तकी है, साथ ही शास्त्रीय रूप से प्रशिक्षित है और नृत्य की शौकीन है। छोटी उम्र में अनाथ हो जाने के कारण पूजा का पालन पोषण उसके माता पिता की करीबी दोस्तों ने किया। पूजा और राहुल के बीच बार बार एक दूसरे से टकराने की स्थिति पैदा हो गई है। इनमें से प्रत्येक उदाहरण को पृष्ठभूमि में बजने वाली एक धुन द्वारा चिन्हित किया गया है जो पूजा के साथ पंजीकृत है। अपने पालक पूजा परिवार के प्यार करने वाली पूजा की जल्द ही उसके अभिभावक का बेटा अजय, उसका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त जो बरसों से लंदन में काम कर रहा है, जर्मनी ले जाता है। जैसे ही अजय लंदन वापस जाने के लिए निकलता है, वो पूजा को प्रपोज करता है। एक दुविधा में पूजा उसके विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है।
इस बीच आगामी नाटक के लिए रिहर्सल के दौरान निशा के पैर में चोट लग जाती है और डॉक्टर उसे बिस्तर पर आराम करने और कुछ महीनों तक नृत्य ना करने की सलाह देते हैं। नाटक में निशा की जगह लेने के लिए एक नई नर्तकी की तलाश में वो एक दिन पूजा को नृत्य करते हुए देखता है और मानता है कि वो इस भूमिका के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। वो उससे रिहर्सल में आने का आग्रह करता है और वह झिझक के बाद वो सहमत हो जाती है। आखिरकार राहुल और पूजा करीबी दोस्त बन गए। निशा जल्द ही अस्पताल से लौट आती है और परेशान होती है कि उसे बदल दिया गया है और ये जानकर बहुत ही ईर्ष्यालु हो जाती है कि राहुल पूजा को पसंद करता है। ये जानते हुए कि राहुल उसके प्यार का बदला नहीं लेता, वो अपने माता पिता से मिलने के लिए लंदन जाने का फैसला करती है। रिहर्सल के दौरान राहुल और पूजा एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। जब राहुल एक दिन पूजा को घर छोड़ता है तो वो अपनी धुन बजाना शुरू कर देता है, जिससे पूजा को एहसास होता है कि वो उस धुन वाले आदमी के प्यार में पड़ गई है जिसे वो अक्सर सुनती थी। अगले दिन दोनों पूजा के पुराने डांस ट्यूटर से मिलने जाते हैं, जिसे पूजा तय कहकर बुलाती है, जिससे पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। नृत्य मंडली के दो सदस्यों की शादी में राहुल और पूजा एक अंतरंग क्षण सजा करता है, लेकिन ये नहीं जानते कि एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार कैसे करें। नाटक के प्रीमियर के कुछ दिन पहले अजय पूजा को आश्चर्यचकित करने के लिए रिहर्सल हॉल में पहुंचता है। वो सबको बताता है कि उसका मंगेतर है राहुल का दिल टूट गया है, लेकिन वो उसे जाहिर न करने की कोशिश करता है। निशा जो लंदन से लौटी है राहुल की बर्बादी को देखती है और बताती है कि कैसे वो भी तबाह हो गई थी जब उसने बदले में उससे प्यार नहीं किया। हमेशा सुखद अंत देने की अपनी सामान्य शैली के विपरीत राहुल ने अपने दुख को दर्शने के लिए नाटक के अंत को संपादित किया। प्रीमियर की रात जैसे ही राहुल और पूजा के पात्र मंच पर अलग होने वाले होते हैं, अजय एक रिकॉर्डेड टेप बजाता है जो पूजा उसे अपने प्रस्ताव से पहले भेजने वाली थी, जहां उसने बताया कि वो राहुल के बारे में कैसा महसूस करती है। अजय परोक्ष रूप से पूजा को बता रहा है कि वो और राहुल एक साथ रहने के लिए ही बने हैं। पूजा को अब एहसास हुआ कि वो वास्तव में राहुल से प्यार करती है और दोनों ने मंच पर अपने प्यार का इजहार किया और दर्शकों ने उनकी सराहना की, जिससे नाटक का एक बार फिर सुखद अंत हुआ। इसके अलावा मंच के पीछे अजय ने निशा से पूछा कि क्या वो पहले से शादीशुदा है या नहीं। अब बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। दिल तो पागल है फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहा देखे इसे फ्री में। राहुल और निशा एक विशाल नृत्य मंडली के सदस्य है जो मुंबई में नृत्य आधारित संगीत नाटक प्रस्तुत करते हैं। निशा गुप्त रूप से राहुल से प्यार करती है, लेकिन बाहरी तौर पर ये सिर्फ सबसे अच्छे दोस्त है। राहुल ने माया नामक एक नए संगीत का निर्देशन करने के लिए अपनी इच्छा की घोषणा की। निशा सहित मंडली के सदस्यों को शीर्षक चरित्र माया के बारे में संदेह है, जिसे राहुल एक ऐसी लड़की के रूप में वर्णित करता है जो सच्चे प्यार में विश्वास करती है और जो अपने आकर्षक राजकुमार की प्रतीक्षा कर रही है, जिसके बारे में उनका मानना है कि वह निश्चित रूप से आएगा और उसे यहाँ से ले जाएगा। निशा को इस लड़की माया की भूमिका निभाने के लिए चुना गया है। मंडली एक नए सदस्य पूजा का स्वागत करती है जो एक अद्भुत नर्तकी है, साथ ही शास्त्रीय रूप से प्रशिक्षित है और नृत्य की शौकीन है। छोटी उम्र में अनाथ हो जाने के कारण पूजा का पालन पोषण उसके माता पिता की करीबी दोस्तों ने किया। पूजा और राहुल के बीच बार बार एक दूसरे से टकराने की स्थिति पैदा हो गई है। इनमें से प्रत्येक उदाहरण को पृष्ठभूमि में बजने वाली एक धुन द्वारा चिन्हित किया गया है जो पूजा के साथ पंजीकृत है। अपने पालक पूजा परिवार के प्यार करने वाली पूजा की जल्द ही उसके अभिभावक का बेटा अजय, उसका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त जो वर्षों से लंदन में काम कर रहा है, जर्मनी ले जाता है। जैसे ही अजय लंदन वापस जाने के लिए निकलता है, वो पूजा को प्रपोज करता है। एक दुविधा में पूजा उसके विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। इस बीच आगामी नाटक के लिए रिहर्सल के दौरान निशा के पैर में चोट लग जाती है और डॉक्टर उसे बिस्तर पर आराम करने और कुछ महीनों तक नृत्य ना करने की सलाह देते हैं। नाटक में निशा की जगह लेने के लिए एक नई नर्तकी की
तलाश में वो एक दिन पूजा को नृत्य करते हुए देखता है और मानता है कि वो इस भूमिका के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। वो उससे रिहर्सल में आने का आग्रह करता है और वह झिझक के बाद वो सहमत हो जाती है। आखिरकार राहुल और पूजा करीबी दोस्त बन गए। निशा जल्द ही अस्पताल से लौट आती है और परेशान होती है कि उसे बदल दिया गया है और ये जानकर बहुत ही ईर्ष्यालु हो जाती है कि राहुल पूजा को पसंद करता है। ये जानते हुए कि राहुल उसके प्यार का बदला नहीं लेता, वो अपने माता पिता से मिलने के लिए लंदन जाने का फैसला करती है। रिहर्सल के दौरान राहुल और पूजा एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। जब राहुल एक दिन पूजा को घर छोड़ता है तो वो अपनी धुन बजाना शुरू कर देता है, जिससे पूजा को एहसास होता है कि वो उस धुन वाले आदमी के प्यार में पड़ गई है जिसे वो अक्सर सुनती थी। अगले दिन दोनों पूजा के पुराने डांस ट्यूटर से मिलने जाते हैं, जिसे पूजा तय कहकर बुलाती है, जिससे पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। नृत्य मंडली के दो सदस्यों की शादी में राहुल और पूजा एक अंतरंग क्षण सजा करता है, लेकिन ये नहीं जानते कि एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार कैसे करें। नाटक के प्रीमियर के कुछ दिन पहले अजय पूजा को आश्चर्यचकित करने के लिए रिहर्सल हॉल में पहुंचता है। वो सबको बताता है कि उसका मंगेतर है राहुल का दिल टूट गया है, लेकिन वो उसे जाहिर न करने की कोशिश करता है। निशा जो लंदन से लौटी है राहुल की बर्बादी को देखती है और बताती है कि कैसे वो भी तबाह हो गई थी जब उसने बदले में उससे प्यार नहीं किया। हमेशा सुखद अंत देने की अपनी सामान्य शैली के विपरीत राहुल ने अपने दुख को दर्शने के लिए नाटक के अंत को संपादित किया। प्रीमियर की रात जैसे ही राहुल और पूजा के पात्र मंच पर अलग होने वाले होते हैं, अजय एक रिकॉर्डेड टेप बजाता है जो पूजा उसे अपने प्रस्ताव से पहले भेजने वाली थी, जहां उसने बताया कि वो राहुल के बारे में कैसा महसूस करती है। अजय परोक्ष रूप से पूजा को बता रहा है कि वो और राहुल एक साथ रहने के लिए ही बने हैं। पूजा को अब एहसास हुआ कि वो वास्तव में राहुल से प्यार करती है और दोनों ने मंच पर अपने प्यार का इजहार किया और दर्शकों ने उनकी सराहना की, जिससे नाटक का एक बार फिर सुखद अंत हुआ। इसके अलावा मंच के पीछे अजय ने निशा से पूछा कि क्या वो पहले से शादीशुदा है या नहीं। अब बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। दिल तो पागल है फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहा देखे इसे फ्री में। राहुल और निशा एक विशाल नृत्य मंडली के सदस्य है जो मुंबई में नृत्य आधारित संगीत नाटक प्रस्तुत करते हैं। निशा गुप्त रूप से राहुल से प्यार करती है, लेकिन बाहरी तौर पर ये सिर्फ सबसे अच्छे दोस्त है। राहुल ने माया नामक एक नए संगीत का निर्देशन करने के लिए अपनी इच्छा की घोषणा की। निशा सहित मंडली के सदस्यों को शीर्षक चरित्र माया के बारे में संदेह है, जिसे राहुल एक ऐसी लड़की के रूप में वर्णित करता है जो सच्चे प्यार में विश्वास करती है और जो अपने आकर्षक राजकुमार की प्रतीक्षा कर रही है, जिसके बारे में उनका मानना है कि वह निश्चित रूप से आएगा और उसे यहाँ से ले जाएगा। निशा को इस लड़की माया की भूमिका निभाने के लिए चुना गया है। मंडली एक नए सदस्य पूजा का स्वागत करती है जो एक अद्भुत नर्तकी है, साथ ही शास्त्रीय रूप से प्रशिक्षित है और नृत्य की शौकीन है। छोटी उम्र में अनाथ हो जाने के कारण पूजा का पालन पोषण उसके माता पिता की करीबी दोस्तों ने किया। पूजा और राहुल के बीच बार बार एक दूसरे से टकराने की स्थिति पैदा हो गई है। इनमें से प्रत्येक उदाहरण को पृष्ठभूमि में बजने वाली एक धुन द्वारा चिन्हित किया गया है जो पूजा के साथ पंजीकृत है। अपने पालक पूजा परिवार के प्यार करने वाली पूजा की जल्द ही उसके अभिभावक का बेटा अजय, उसका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त जो वर्षों से लंदन में काम कर रहा है, जर्मनी ले जाता है। जैसे ही अजय लंदन वापस जाने के लिए निकलता है, वो पूजा को प्रपोज करता है। एक दुविधा में पूजा उसके विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। इस बीच आगामी नाटक के लिए रिहर्सल के दौरान निशा के पैर में चोट लग जाती है और डॉक्टर उसे बिस्तर पर आराम करने और कुछ महीनों तक नृत्य ना करने की सलाह देते हैं। नाटक में निशा की जगह लेने के लिए एक नई नर्तकी की तलाश में वो एक दिन पूजा को नृत्य करते हुए देखता है और मानता है कि वो इस भूमिका के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। वो उससे रिहर्सल में आने का आग्रह करता है और वह झिझक के बाद वो सहमत हो जाती है।
आखिरकार राहुल और पूजा करीबी दोस्त बन गए। निशा जल्दी अस्पताल से लौट आती है और परेशान होती है कि उसे बदल दिया गया है और ये जानकर बहुत ही ईर्ष्यालु हो जाती है कि राहुल पूजा को पसंद करता है। ये जानते हुए कि राहुल उसके प्यार का बदला नहीं लेता, वो अपने माता पिता से मिलने के लिए लंदन जाने का फैसला करती है। रिहर्सल के दौरान राहुल और पूजा एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। जब राहुल एक दिन पूजा को घर छोड़ता है तो वो अपनी धुन बजाना शुरू कर देता है, जिससे पूजा को एहसास होता है कि वो उस धुन वाले आदमी के प्यार में पड़ गई है जिसे वो अक्सर सुनती थी। अगले दिन दोनों पूजा के पुराने डांस ट्यूटर से मिलने जाते हैं, जिसे पूजा ताए कहकर बुलाती है, जिससे पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। नृत्य मंडली के दो सदस्य की शादी में राहुल और पूजा एक अंतरंग क्षण सजा करता है, लेकिन ये नहीं जानते कि एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार कैसे करे। नाटक के प्रीमियर के कुछ दिन पहले अजय पूजा को आश्चर्यचकित करने के लिए रिहर्सल हॉल में पहुंचता है। वो सबको बताता है कि उसका मंगेतर है राहुल का दिल टूट गया है, लेकिन वो उसे जाहिर न करने की कोशिश करता है। निशा जो लंदन से लौटी है राहुल की बर्बादी को देखती है और बताती है कि कैसे वो भी तबाह हो गई थी जब उसने बदले में उससे प्यार नहीं किया। हमेशा सुखद अंत देने की अपनी सामान्य शैली के विपरीत राहुल ने अपने दुख को दर्शने के लिए नाटक के अंत को संपादित किया। प्रीमियर की रात जैसे ही राहुल और पूजा के पात्र मंच पर अलग होने वाले होते हैं, अजय एक रिकॉर्डेड टेप बजाता है जो पूजा उसे अपने प्रस्ताव से पहले भेजने वाली थी, जहां उसने बताया कि वो राहुल के बारे में कैसा महसूस करती है। अजय परोक्ष रूप से पूजा को बता रहा है कि वो और राहुल एक साथ रहने के लिए ही बने हैं। पूजा को अब एहसास हुआ कि वो वास्तव में राहुल से प्यार करती है और दोनों ने मंच पर अपने प्यार का इजहार किया और दर्शकों ने उनकी सराहना की, जिससे नाटक का एक बार फिर सुखद अंत हुआ। इसके अलावा मंच के पीछे अजय ने निशा से पूछा कि क्या वो पहले से शादीशुदा है या नहीं। अब बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। दिल तो पागल है फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहा देखे इसे फ्री में। राहुल और निशा एक विशाल नृत्य मंडली के सदस्य है जो मुंबई में नृत्य आधारित संगीत नाटक प्रस्तुत करते हैं। निशा गुप्त रूप से राहुल से प्यार करती है, लेकिन बाहरी तौर पर ये सिर्फ सबसे अच्छे दोस्त है। राहुल ने माया नामक एक नए संगीत का निर्देशन करने के लिए अपनी इच्छा की घोषणा की। निशा सहित मंडली के सदस्यों को शीर्षक चरित्र माया के बारे में संदेह है, जिसे राहुल एक ऐसी लड़की के रूप में वर्णित करता है जो सच्चे प्यार में विश्वास करती है और जो अपने आकर्षक राजकुमार की प्रतीक्षा कर रही है, जिसके बारे में उनका मानना है कि वह निश्चित रूप से आएगा और उसे यहाँ से ले जाएगा। निशा को इस लड़की माया की भूमिका निभाने के लिए चुना गया है। मंडली एक नए सदस्य पूजा का स्वागत करती है जो एक अद्भुत नर्तकी है, साथ ही शास्त्रीय रूप से प्रशिक्षित है और नृत्य की शौकीन है। छोटी उम्र में अनाथ हो जाने के कारण पूजा का पालन पोषण उसके माता पिता की करीबी दोस्तों ने किया। पूजा और राहुल के बीच बार बार एक दूसरे से टकराने की स्थिति पैदा हो गई है। इनमें से प्रत्येक उदाहरण को पृष्ठभूमि में बजने वाली एक धुन द्वारा चिन्हित किया गया है जो पूजा के साथ पंजीकृत है। अपने पालक पूजा परिवार के प्यार करने वाली पूजा की जल्द ही उसके अभिभावक का बेटा अजय, उसका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त जो बरसों से लंदन में काम कर रहा है, जर्मनी ले जाता है। जैसे ही अजय लंदन वापस जाने के लिए निकलता है, वो पूजा को प्रपोज करता है। एक दुविधा में पूजा उसके विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। इस बीच आगामी नाटक के लिए रिहर्सल के दौरान निशा के पैर में चोट लग जाती है और डॉक्टर उसे बिस्तर पर आराम करने और कुछ महीनों तक नृत्य ना करने की सलाह देते हैं। नाटक में निशा की जगह लेने के लिए एक नई नर्तकी की तलाश में वो एक दिन पूजा को नृत्य करते हुए देखता है और मानता है कि वो इस भूमिका के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। वो उससे रिहर्सल में आने का आग्रह करता है और वह झिझक के बाद वो सहमत हो जाती है। आखिरकार राहुल और पूजा करीबी दोस्त बन गए। निशा जल्दी अस्पताल से लौट आती है और परेशान होती है कि उसे बदल दिया गया है और ये जानकर बहुत ही
ईर्ष्यालु हो जाती है कि राहुल पूजा को पसंद करता है। ये जानते हुए कि राहुल उसके प्यार का बदला नहीं लेता, वो अपने माता पिता से मिलने के लिए लंदन जाने का फैसला करती है। रिहर्सल के दौरान राहुल और पूजा एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। जब राहुल एक दिन पूजा को घर छोड़ता है तो वो अपनी धुन बजाना शुरू कर देता है, जिससे पूजा को एहसास होता है कि वो उस धुन वाले आदमी के प्यार में पड़ गई है जिसे वो अक्सर सुनती थी। अगले दिन दोनों पूजा के पुराने डांस ट्यूटर से मिलने जाते हैं, जिसे पूजा तय कहकर बुलाती है, जिससे पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। नृत्य मंडली के दो सदस्य की शादी में राहुल और पूजा एक अंतरंग क्षण सजा करता है, लेकिन ये नहीं जानते कि एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार कैसे करें। नाटक के प्रीमियर के कुछ दिन पहले अजय पूजा को आश्चर्यचकित करने के लिए रिहर्सल हॉल में पहुंचता है। वो सबको बताता है कि उसका मंगेतर है राहुल का दिल टूट गया है, लेकिन वो उसे जाहिर न करने की कोशिश करता है। निशा जो लंदन से लौटी है राहुल की बर्बादी को देखती है और बताती है कि कैसे वो भी तबाह हो गई थी जब उसने बदले में उससे प्यार नहीं किया। हमेशा सुखद अंत देने की अपनी सामान्य शैली के विपरीत राहुल ने अपने दुख को दर्शने के लिए नाटक के अंत को संपादित किया। प्रीमियर की रात जैसे ही राहुल और पूजा के पात्र मंच पर अलग होने वाले होते हैं, अजय एक रिकॉर्डेड टेप बजाता है जो पूजा उसे अपने प्रस्ताव से पहले भेजने वाली थी, जहां उसने बताया कि वो राहुल के बारे में कैसा महसूस करती है। अजय परोक्ष रूप से पूजा को बता रहा है कि वो और राहुल एक साथ रहने के लिए ही बने हैं। पूजा को अब एहसास हुआ कि वो वास्तव में राहुल से प्यार करती है और दोनों ने मंच पर अपने प्यार का इजहार किया और दर्शकों ने उनकी सराहना की, जिससे नाटक का एक बार फिर सुखद अंत हुआ। इसके अलावा मंच के पीछे अजय ने निशा से पूछा कि क्या वो पहले से शादीशुदा है या नहीं। अब बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। दिल तो पागल है फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहां देखें इसे फ्री में। राहुल और निशा एक विशाल नृत्य मंडली के सदस्य है जो मुंबई में नृत्य आधारित संगीत नाटक प्रस्तुत करते हैं। निशा गुप्त रूप से राहुल से प्यार करती है, लेकिन बाहरी तौर पर ये सिर्फ सबसे अच्छे दोस्त है। राहुल ने माया नामक एक नए संगीत का निर्देशन करने के लिए अपनी इच्छा की घोषणा की। निशा सहित मंडली के सदस्यों को शीर्षक चरित्र माया के बारे में संदेह है, जिसे राहुल एक ऐसी लड़की के रूप में वर्णित करता है जो सच्चे प्यार में विश्वास करती है और जो अपने आकर्षक राजकुमार की प्रतीक्षा कर रही है, जिसके बारे में उनका मानना है कि वह निश्चित रूप से आएगा और उसे यहाँ से ले जाएगा। निशा को इस लड़की माया की भूमिका निभाने के लिए चुना गया है। मंडली एक नए सदस्य पूजा का स्वागत करती है जो एक अद्भुत नर्तकी है, साथ ही शास्त्रीय रूप से प्रशिक्षित है और नृत्य की शौकीन है। छोटी उम्र में अनाथ हो जाने के कारण पूजा का पालन पोषण उसके माता पिता की करीबी दोस्तों ने किया। पूजा और राहुल के बीच बार बार एक दूसरे से टकराने की स्थिति पैदा हो गई है। इनमें से प्रत्येक उदाहरण को पृष्ठभूमि में बजने वाली एक धुन द्वारा चिन्हित किया गया है जो पूजा के साथ पंजीकृत है। अपने पालक पूजा परिवार के प्यार करने वाली पूजा की जल्द ही उसके अभिभावक का बेटा अजय, उसका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त जो वर्षों से लंदन में काम कर रहा है, जर्मनी ले जाता है। जैसे ही अजय लंदन वापस जाने के लिए निकलता है, वो पूजा को प्रपोज करता है। एक दुविधा में पूजा उसके विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। इस बीच आगामी नाटक के लिए रिहर्सल के दौरान निशा के पैर में चोट लग जाती है और डॉक्टर उसे बिस्तर पर आराम करने और कुछ महीनों तक नृत्य ना करने की सलाह देते हैं। नाटक में निशा की जगह लेने के लिए एक नई नर्तकी की तलाश में वो एक दिन पूजा को नृत्य करते हुए देखता है और मानता है कि वो इस भूमिका के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। वो उससे रिहर्सल में आने का आग्रह करता है और वह झिझक के बाद वो सहमत हो जाती है। आखिरकार राहुल और पूजा करीबी दोस्त बन गए। निशा जल्द ही अस्पताल से लौट आती है और परेशान होती है कि उसे बदल दिया गया है, और ये जानकर बहुत ही ईर्ष्यालु हो जाती है कि राहुल पूजा को पसंद करता है। ये जानते हुए कि राहुल उसके प्यार का बदला नहीं लेता, वो अपने माता पिता से मिलने के लिए लंदन जाने का फैसला करती है। रिहर्सल के दौरान राहुल और पूजा एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। जब राहुल एक दिन पूजा को घर छोड़ता है तो वो अपनी धुन बजाना शुरू कर देता है, जिससे पूजा को एहसास होता है कि वो उस धुन वाले आदमी के प्यार में पड़ गई है जिसे वो अक्सर सुनती थी।
अगले दिन दोनों पूजा के पुराने डांस ट्यूटर से मिलने जाते हैं, जिसे पूजा तय कह कर बुलाती है, जिससे पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। नृत्य मंडली के दो सदस्यों की शादी में राहुल और पूजा एक अंतरंग क्षण सजा करता है, लेकिन ये नहीं जानते कि एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार कैसे करें। नाटक के प्रीमियर के कुछ दिन पहले अजय पूजा को आश्चर्यचकित करने के लिए रिहर्सल हॉल में पहुंचता है। वो सबको बताता है कि उसका मंगेतर है राहुल का दिल टूट गया है, लेकिन वो उसे जाहिर न करने की कोशिश करता है। निशा जो लंदन से लौटी है राहुल की बर्बादी को देखती है और बताती है कि कैसे वो भी तबाह हो गई थी जब उसने बदले में उससे प्यार नहीं किया। हमेशा सुखद अंत देने की अपनी सामान्य शैली के विपरीत राहुल ने अपने दुख को दर्शने के लिए नाटक के अंत को संपादित किया। प्रीमियर की रात जैसे ही राहुल और पूजा के पात्र मंच पर अलग होने वाले होते हैं, अजय एक रिकॉर्डेड टेप बजाता है जो पूजा उसे अपने प्रस्ताव से पहले भेजने वाली थी, जहां उसने बताया कि वो राहुल के बारे में कैसा महसूस करती है। अजय परोक्ष रूप से पूजा को बता रहा है कि वो और राहुल एक साथ रहने के लिए ही बने हैं। पूजा को अब एहसास हुआ कि वो वास्तव में राहुल से प्यार करती है और दोनों ने मंच पर अपने प्यार का इजहार किया और दर्शकों ने उनकी सराहना की, जिससे नाटक का एक बार फिर सुखद अंत हुआ। इसके अलावा मंच के पीछे अजय ने निशा से पूछा कि क्या वो पहले से शादीशुदा है या नहीं। अब बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। दिल तो पागल है फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहा देखें इसे फ्री में। राहुल और निशा एक विशाल नृत्य मंडली के सदस्य है जो मुंबई में नृत्य आधारित संगीत नाटक प्रस्तुत करते हैं। निशा गुप्त रूप से राहुल से प्यार करती है, लेकिन बाहरी तौर पर ये सिर्फ सबसे अच्छे दोस्त है। राहुल ने माया नामक एक नए संगीत का निर्देशन करने के लिए अपनी इच्छा की घोषणा की। निशा सहित मंडली के सदस्यों को शीर्षक चरित्र माया के बारे में संदेह है, जिसे राहुल एक ऐसी लड़की के रूप में वर्णित करता है जो सच्चे प्यार में विश्वास करती है और जो अपने आकर्षक राजकुमार की प्रतीक्षा कर रही है, जिसके बारे में उनका मानना है कि वह निश्चित रूप से आएगा और उसे यहाँ से ले जाएगा। निशा को इस लड़की माया की भूमिका निभाने के लिए चुना गया है। मंडली एक नए सदस्य पूजा का स्वागत करती है जो एक अद्भुत नर्तकी है, साथ ही शास्त्रीय रूप से प्रशिक्षित है और नृत्य की शौकीन है। छोटी उम्र में अनाथ हो जाने के कारण पूजा का पालन पोषण उसके माता पिता की करीबी दोस्तों ने किया। पूजा और राहुल के बीच बार बार एक दूसरे से टकराने की स्थिति पैदा हो गई है। इनमें से प्रत्येक उदाहरण को पृष्ठभूमि में बजने वाली एक धुन द्वारा चिन्हित किया गया है जो पूजा के साथ पंजीकृत है। अपने पालक पूजा परिवार के प्यार करने वाली पूजा की जल्द ही उसके अभिभावक का बेटा अजय, उसका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त जो बरसों से लंदन में काम कर रहा है, जर्मनी ले जाता है। जैसे ही अजय लंदन वापस जाने के लिए निकलता है, वो पूजा को प्रपोज करता है। एक दुविधा में पूजा उसके विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। इस बीच आगामी नाटक के लिए रिहर्सल के दौरान निशा के पैर में चोट लग जाती है और डॉक्टर उसे बिस्तर पर आराम करने और कुछ महीनों तक नृत्य ना करने की सलाह देते हैं। नाटक में निशा की जगह लेने के लिए एक नई नर्तकी की तलाश में वो एक दिन पूजा को नृत्य करते हुए देखता है और मानता है कि वो इस भूमिका के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। वो उससे रिहर्सल में आने का आग्रह करता है और वह झिझक के बाद वो सहमत हो जाती है। आखिरकार राहुल और पूजा करीबी दोस्त बन गए। निशा जल्द ही अस्पताल से लौट आती है और परेशान होती है कि उसे बदल दिया गया है और ये जानकर बहुत ही ईर्ष्यालु हो जाती है कि राहुल पूजा को पसंद करता है। ये जानते हुए कि राहुल उसके प्यार का बदला नहीं लेता, वो अपने माता पिता से मिलने के लिए लंदन जाने का फैसला करती है। रिहर्सल के दौरान राहुल और पूजा एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। जब राहुल एक दिन पूजा को घर छोड़ता है तो वो अपनी धुन बजाना शुरू कर देता है, जिससे पूजा को एहसास होता है कि वो उस धुन वाले आदमी के प्यार में पड़ गई है जिसे वो अक्सर सुनती थी। अगले दिन दोनों पूजा के पुराने डांस ट्यूटर से मिलने जाते हैं, जिसे पूजा तय कह कर बुलाती है, जिससे पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। नृत्य मंडली के दो सदस्यों की शादी में राहुल और पूजा एक अंतरंग क्षण सजा करता है, लेकिन ये नहीं जानते कि एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार कैसे करें। नाटक के प्रीमियर के कुछ दिन पहले अजय पूजा को
आश्चर्यचकित करने के लिए रिहर्सल हॉल में पहुंचता है। वो सबको बताता है कि उसका मंगेतर है। राहुल का दिल टूट गया है, लेकिन वो उसे जाहिर न करने की कोशिश करता है। निशा, जो लंदन से लौटी है, राहुल की बर्बादी को देखती है और बताती है कि कैसे वो भी तबाह हो गई थी जब उसने बदले में उससे प्यार नहीं किया। हमेशा सुखद अंत देने की अपनी सामान्य शैली के विपरीत राहुल ने अपने दुख को दर्शने के लिए नाटक के अंत को संपादित किया। प्रीमियर की रात जैसे ही राहुल और पूजा के पात्र मंच पर अलग होने वाले होते हैं, अजय एक रिकॉर्डेड टेप बजाता है जो पूजा उसे अपने प्रस्ताव से पहले भेजने वाली थी, जहां उसने बताया कि वो राहुल के बारे में कैसा महसूस करती है। अजय परोक्ष रूप से पूजा को बता रहा है कि वो और राहुल एक साथ रहने के लिए ही बने हैं। पूजा को अब एहसास हुआ कि वो वास्तव में राहुल से प्यार करती है और दोनों ने मंच पर अपने प्यार का इजहार किया और दर्शकों ने उनकी सराहना की, जिससे नाटक का एक बार फिर सुखद अंत हुआ। इसके अलावा मंच के पीछे अजय ने निशा से पूछा कि क्या वो पहले से शादीशुदा है या नहीं। अब बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। दिल तो पागल है फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहां देखें इसे फ्री में। राहुल और निशा एक विशाल नृत्य मंडली के सदस्य है जो मुंबई में नृत्य आधारित संगीत नाटक प्रस्तुत करते हैं। निशा गुप्त रूप से राहुल से प्यार करती है, लेकिन बाहरी तौर पर ये सिर्फ सबसे अच्छे दोस्त है। राहुल ने माया नामक एक नए संगीत का निर्देशन करने के लिए अपनी इच्छा की घोषणा की। निशा सहित मंडली के सदस्यों को शीर्षक चरित्र माया के बारे में संदेह है, जिसे राहुल एक ऐसी लड़की के रूप में वर्णित करता है जो सच्चे प्यार में विश्वास करती है और जो अपने आकर्षक राजकुमार की प्रतीक्षा कर रही है, जिसके बारे में उनका मानना है कि वह निश्चित रूप से आएगा और उसे यहाँ से ले जाएगा। निशा को इस लड़की माँ की भूमिका निभाने के लिए चुना गया है। मंडली एक नए सदस्य पूजा का स्वागत करती है जो एक अद्भुत नर्तकी है, साथ ही शास्त्रीय रूप से प्रशिक्षित है और नृत्य की शौकीन है। छोटी उम्र में अनाथ हो जाने के कारण पूजा का पालन पोषण उसके माता पिता की करीबी दोस्तों ने किया। पूजा और राहुल के बीच बार बार एक दूसरे से टकराने की स्थिति पैदा हो गई है। इनमें से प्रत्येक उदाहरण को पृष्ठभूमि में बजने वाली एक धुन द्वारा चिन्हित किया गया है जो पूजा के साथ पंजीकृत है। अपने पालक पूजा परिवार के प्यार करने वाली पूजा की जल्द ही उसके अभिभावक का बेटा अजय, उसका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त जो वर्षों से लंदन में काम कर रहा है, जर्मनी ले जाता है। जैसे ही अजय लंदन वापस जाने के लिए निकलता है, वो पूजा को प्रपोज करता है। एक दुविधा में पूजा उसके विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। इस बीच आगामी नाटक के लिए रिहर्सल के दौरान निशा के पैर में चोट लग जाती है और डॉक्टर उसे बिस्तर पर आराम करने और कुछ महीनों तक नृत्य ना करने की सलाह देते हैं। नाटक में निशा की जगह लेने के लिए एक नई नर्तकी की तलाश में वो एक दिन पूजा को नृत्य करते हुए देखता है और मानता है कि वो इस भूमिका के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। वो उससे रिहर्सल में आने का आग्रह करता है और वह झिझक के बाद वो सहमत हो जाती है। आखिरकार राहुल और पूजा करीबी दोस्त बन गए। निशा जल्द ही अस्पताल से लौट आती है और परेशान होती है कि उसे बदल दिया गया है, और ये जानकर बहुत ही ईर्ष्यालु हो जाती है कि राहुल पूजा को पसंद करता है। ये जानते हुए कि राहुल उसके प्यार का बदला नहीं लेता, वो अपने माता पिता से मिलने के लिए लंदन जाने का फैसला करती है। रिहर्सल के दौरान राहुल और पूजा एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। जब राहुल एक दिन पूजा को घर छोड़ता है तो वो अपनी धुन बजाना शुरू कर देता है, जिससे पूजा को एहसास होता है कि वो उस धुन वाले आदमी के प्यार में पड़ गई है जिसे वो अक्सर सुनती थी। अगले दिन दोनों पूजा के पुराने डांस ट्यूटर से मिलने जाते हैं, जिसे पूजा तय कहकर बुलाती है, जिससे पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। नृत्य मंडली के दो सदस्यों की शादी में राहुल और पूजा एक अंतरंग क्षण सजा करता है, लेकिन ये नहीं जानते कि एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार कैसे करे। नाटक के प्रीमियर के कुछ दिन पहले अजय पूजा को आश्चर्यचकित करने के लिए रिहर्सल हॉल में पहुंचता है। वो सबको बताता है कि उसका मंगेतर है। राहुल का दिल टूट गया है, लेकिन वो उसे जाहिर न करने की कोशिश करता है। निशा, जो लंदन से लौटी है, राहुल की बर्बादी को देखती है और बताती है कि कैसे वो भी तबाह हो गई थी जब उसने बदले में उससे प्यार नहीं किया। हमेशा सुखद अंत देने की अपनी सामान्य शैली के विपरीत राहुल ने अपने दुख को
दर्शने के लिए नाटक के अंत को संपादित किया। प्रीमियर के रात जैसे ही राहुल और पूजा के बाद रमंच पर अलग होने वाले होते हैं, अजय एक रिकॉर्डेड टेप बजाता है जो पूजा उसे अपने प्रस्ताव से पहले भेजने वाली थी, जहां उसने बताया कि वो राहुल के बारे में कैसा महसूस करती है। अजय परोक्ष रूप से पूजा को बता रहा है कि वो और राहुल एक साथ रहने के लिए ही बने हैं। पूजा को अब एहसास हुआ कि वो वास्तव में राहुल से प्यार करती है और दोनों ने मंच पर अपने प्यार का इजहार किया और दर्शकों ने उनकी सराहना की, जिससे नाटक का एक बार फिर सुखद अंत हुआ। इसके अलावा मंच के बीच अजय ने निशा से पूछा कि क्या वो पहले से शादीशुदा है या नहीं। अब बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। दिल तो पागल है फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहां देखें इसे फ्री में। राहुल और निशा एक विशाल नृत्य मंडली के सदस्य है जो मुंबई में नृत्य आधारित संगीत नाटक प्रस्तुत करते हैं। निशा गुप्त रूप से राहुल से प्यार करती है, लेकिन बाहरी तौर पर ये सिर्फ सबसे अच्छे दोस्त है। राहुल ने माया नामक एक नए संगीत का निर्देशन करने के लिए अपनी इच्छा की घोषणा की। निशा सहित मंडली के सदस्यों को शीर्षक चरित्र माया के बारे में संदेह है, जिसे राहुल एक ऐसी लड़की के रूप में वर्णित करता है जो सच्चे प्यार में विश्वास करती है और जो अपने आकर्षक राजकुमार की प्रतीक्षा कर रही है, जिसके बारे में उनका मानना है कि वह निश्चित रूप से आएगा और उसे यहाँ से ले जाएगा। निशा को इस लड़की माया की भूमिका निभाने के लिए चुना गया है। मंडली एक नए सदस्य पूजा का स्वागत करती है जो एक अद्भुत नर्तकी है, साथ ही शास्त्रीय रूप से प्रशिक्षित है और नृत्य की शौकीन है। छोटी उम्र में अनाथ हो जाने के कारण पूजा का पालन पोषण उसके माता पिता की करीबी दोस्तों ने किया। पूजा और राहुल के बीच बार बार एक दूसरे से टकराने की स्थिति पैदा हो गई है। इनमें से प्रत्येक उदाहरण को पृष्ठभूमि में बजने वाली एक धुन द्वारा चिन्हित किया गया है जो पूजा के साथ पंजीकृत है। अपने पालक पूजा परिवार के प्यार करने वाली पूजा की जल्द ही उसके अभिभावक का बेटा अजय, उसका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त जो बरसों से लंदन में काम कर रहा है, जर्मनी ले जाता है। जैसे ही अजय लंदन वापस जाने के लिए निकलता है, वो पूजा को प्रपोज करता है। एक दुविधा में पूजा उसके विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। इस बीच आगामी नाटक के लिए रिहर्सल के दौरान निशा के पैर में चोट लग जाती है और डॉक्टर उसे बिस्तर पर आराम करने और कुछ महीनों तक नृत्य ना करने की सलाह देते हैं। नाटक में निशा की जगह लेने के लिए एक नई नर्तकी की तलाश में वो एक दिन पूजा को नृत्य करते हुए देखता है और मानता है कि वो इस भूमिका के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। वो उससे रिहर्सल में आने का आग्रह करता है और वह झिझक के बाद वो सहमत हो जाती है। आखिरकार राहुल और पूजा करीबी दोस्त बन गए। निशा जल्द ही अस्पताल से लौट आती है और परेशान होती है कि उसे बदल दिया गया है और ये जानकर बहुत ही ईर्ष्यालु हो जाती है कि राहुल पूजा को पसंद करता है। ये जानते हुए कि राहुल उसके प्यार का बदला नहीं लेता, वो अपने माता पिता से मिलने के लिए लंदन जाने का फैसला करती है। रिहर्सल के दौरान राहुल और पूजा एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। जब राहुल एक दिन पूजा को घर छोड़ता है तो वो अपनी धुन बजाना शुरू कर देता है, जिससे पूजा को एहसास होता है कि वो उस धुन वाले आदमी के प्यार में पड़ गई है जिसे वो अक्सर सुनती थी। अगले दिन दोनों पूजा के पुराने डांस ट्यूटर से मिलने जाते हैं, जिसे पूजा तय कहकर बुलाती है, जिससे पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। नृत्य मंडली के दो सदस्यों की शादी में राहुल और पूजा एक अंतरंग क्षण सजा करता है, लेकिन ये नहीं जानते कि एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार कैसे करे। नाटक के प्रीमियर के कुछ दिन पहले अजय पूजा को आश्चर्यचकित करने के लिए रिहर्सल हॉल में पहुंचता है। वो सबको बताता है कि उसका मंगेतर है। राहुल का दिल टूट गया है, लेकिन वो उसे जाहिर न करने की कोशिश करता है। निशा जो लंदन से लौटी है, राहुल की बर्बादी को देखती है और बताती है कि कैसे वो भी तबाह हो गई थी जब उसने बदले में उससे प्यार नहीं किया। हमेशा सुखद अंत देने की अपनी सामान्य शैली के विपरीत राहुल ने अपने दुख को दर्शने के लिए नाटक के अंत को संपादित किया। प्रीमियर के रात जैसे ही राहुल और पूजा के बाद रमंच पर अलग होने वाले होते हैं, अजय एक रिकॉर्डेड टेप बजाता है जो पूजा उसे अपने प्रस्ताव से पहले भेजने वाली थी, जहां उसने बताया कि वो राहुल के बारे में कैसा महसूस करती है। अजय परोक्ष रूप से पूजा को बता रहा है कि वो और राहुल एक साथ रहने के लिए ही बने हैं। पूजा को अब एहसास हुआ कि वो वास्तव में राहुल से प्यार करती है और दोनों ने
मंच पर अपने प्यार का इजहार किया और दर्शकों ने उनकी सराहना की, जिससे नाटक का एक बार फिर सुखद अंत हुआ। इसके अलावा मंच के बीच अजय ने निशा से पूछा कि क्या वो पहले से शादीशुदा है या नहीं। अब बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। दिल तो पागल है फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहा देखे इसे फ्री में। राहुल और निशा एक विशाल नृत्य मंडली के सदस्य है जो मुंबई में नृत्य आधारित संगीत नाटक प्रस्तुत करते हैं। निशा गुप्त रूप से राहुल से प्यार करती है, लेकिन बाहरी तौर पर ये सिर्फ सबसे अच्छे दोस्त है। राहुल ने माया नामक एक नए संगीत का निर्देशन करने के लिए अपनी इच्छा की घोषणा की। निशा सहित मंडली के सदस्यों को शीर्षक चरित्र माया के बारे में संदेह है, जिसे राहुल एक ऐसी लड़की के रूप में वर्णित करता है जो सच्चे प्यार में विश्वास करती है और जो अपने आकर्षक राजकुमार की प्रतीक्षा कर रही है, जिसके बारे में उनका मानना है कि वह निश्चित रूप से आएगा और उसे यहाँ से ले जाएगा। निशा को इस लड़की माया की भूमिका निभाने के लिए चुना गया है। मंडली एक नए सदस्य पूजा का स्वागत करती है जो एक अद्भुत नर्तकी है, साथ ही शास्त्रीय रूप से प्रशिक्षित है और नृत्य की शौकीन है। छोटी उम्र में अनाथ हो जाने के कारण पूजा का पालन पोषण उसके माता पिता की करीबी दोस्तों ने किया। पूजा और राहुल के बीच बार बार एक दूसरे से टकराने की स्थिति पैदा हो गई है। इनमें से प्रत्येक उदाहरण को पृष्ठभूमि में बजने वाली एक धुन द्वारा चिन्हित किया गया है जो पूजा के साथ पंजीकृत है। अपने पालक पूजा परिवार के प्यार करने वाली पूजा की जल्द ही उसके अभिभावक का बेटा अजय, उसका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त जो बरसों से लंदन में काम कर रहा है, जर्मनी ले जाता है। जैसे ही अजय लंदन वापस जाने के लिए निकलता है, वो पूजा को प्रपोज करता है। एक दुविधा में पूजा उसके विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। इस बीच आगामी नाटक के लिए रिहर्सल के दौरान निशा के पैर में चोट लग जाती है और डॉक्टर उसे बिस्तर पर आराम करने और कुछ महीनों तक नृत्य ना करने की सलाह देते हैं। नाटक में निशा की जगह लेने के लिए एक नई नर्तकी की तलाश में वो एक दिन पूजा को नृत्य करते हुए देखता है और मानता है कि वो इस भूमिका के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। वो उससे रिहर्सल में आने का आग्रह करता है और वह झिझक के बाद वो सहमत हो जाती है। आखिरकार राहुल और पूजा करीबी दोस्त बन गए। निशा जल्द ही अस्पताल से लौट आती है और परेशान होती है कि उसे बदल दिया गया है और ये जानकर बहुत ही ईर्ष्यालु हो जाती है कि राहुल पूजा को पसंद करता है। ये जानते हुए कि राहुल उसके प्यार का बदला नहीं लेता, वो अपने माता पिता से मिलने के लिए लंदन जाने का फैसला करती है। रिहर्सल के दौरान राहुल और पूजा एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। जब राहुल एक दिन पूजा को घर छोड़ता है तो वो अपनी धुन बजाना शुरू कर देता है, जिससे पूजा को एहसास होता है कि वो उस धुन वाले आदमी के प्यार में पड़ गई है जिसे वो अक्सर सुनती थी। अगले दिन दोनों पूजा के पुराने डांस ट्यूटर से मिलने जाते हैं, जिसे पूजा तय कहकर बुलाती है, जिससे पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। नृत्य मंडली के दो सदस्यों की शादी में राहुल और पूजा एक अंतरंग क्षण सजा करता है, लेकिन ये नहीं जानते कि एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार कैसे करे। नाटक के प्रीमियर के कुछ दिन पहले अजय पूजा को आश्चर्यचकित करने के लिए रिहर्सल हॉल में पहुंचता है। वो सबको बताता है कि उसका मंगेतर है, राहुल का दिल टूट गया है, लेकिन वो उसे जाहिर न करने की कोशिश करता है। निशा जो लंदन से लौटी है, राहुल की बर्बादी को देखती है और बताती है कि कैसे वो भी तबाह हो गई थी जब उसने बदले में उससे प्यार नहीं किया। हमेशा सुखद अंत देने की अपनी सामान्य शैली के विपरीत राहुल ने अपने दुख को दर्शने के लिए नाटक के अंत को संपादित किया। प्रीमियर की रात जैसे ही राहुल और पूजा के पात्र मंच पर अलग होने वाले होते हैं, अजय एक रिकॉर्डेड टेप बजाता है जो पूजा उसे अपने प्रस्ताव से पहले भेजने वाली थी, जहां उसने बताया कि वो राहुल के बारे में कैसा महसूस करती है। अजय परोक्ष रूप से पूजा को बता रहा है कि वो और राहुल एक साथ रहने के लिए ही बने हैं। पूजा को अब एहसास हुआ कि वो वास्तव में राहुल से प्यार करती है और दोनों ने मंच पर अपने प्यार का इजहार किया और दर्शकों ने उनकी सराहना की, जिससे नाटक का एक बार फिर सुखद अंत हुआ। इसके अलावा मंच के बीच अजय ने निशा से पूछा कि क्या वो पहले से शादीशुदा है या नहीं। अब बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है।
दिल तो पागल है फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहा देखे से फ्री में। राहुल अन्नी शायद विशाल नृत्य मंडली के सदस्य है जो मुंबई में नृत्य आधारित संगीत नाटक प्रस्तुत करते हैं। निशा गुप्त रूप से राहुल से प्यार करती है, लेकिन बाहरी तौर पर ये सिर्फ सबसे अच्छे दोस्त है। राहुल ने माया नामक एक नए संगीत का निर्देशन करने के लिए अपनी इच्छा की घोषणा की। निशा सहित मंडली के सदस्यों को शीर्षक चरित्र माया के बारे में संदेह है, जिसे राहुल एक ऐसी लड़की के रूप में वर्णित करता है जो सच्चे प्यार में विश्वास करती है और जो अपने आकर्षक राजकुमार की प्रतीक्षा कर रही है, जिसके बारे में उनका मानना है कि वह निश्चित रूप से आएगा और उसे यहाँ से ले जाएगा। निशा को इस लड़की माया की भूमिका निभाने के लिए चुना गया है। मंडली एक नए सदस्य पूजा का स्वागत करती है जो एक अद्भुत नर्तकी है, साथ ही शास्त्रीय रूप से प्रशिक्षित है और नृत्य की शौकीन है। छोटी उम्र में अनाथ हो जाने के कारण पूजा का पालन पोषण उसके माता पिता की करीबी दोस्तों ने किया। पूजा और राहुल के बीच बार बार एक दूसरे से टकराने की स्थिति पैदा हो गई है। इनमें से प्रत्येक उदाहरण को पृष्ठभूमि में बजने वाली एक धुन द्वारा चिन्हित किया गया है जो पूजा के साथ पंजीकृत है। अपने पालक पूजा परिवार के प्यार करने वाली पूजा की जल्द ही उसके अभिभावक का बेटा अजय, उसका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त जो बरसों से लंदन में काम कर रहा है, जर्मनी ले जाता है। जैसे ही अजय लंदन वापस जाने के लिए निकलता है, वो पूजा को प्रपोज करता है। एक दुविधा में पूजा उसके विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। इस बीच आगामी नाटक के लिए रिहर्सल के दौरान निशा के पैर में चोट लग जाती है और डॉक्टर उसे बिस्तर पर आराम करने और कुछ महीनों तक नृत्य ना करने की सलाह देते हैं। नाटक में निशा की जगह लेने के लिए एक नई नर्तकी की तलाश में वो एक दिन पूजा को नृत्य करते हुए देखता है और मानता है कि वो इस भूमिका के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। वो उससे रिहर्सल में आने का आग्रह करता है और वह झिझक के बाद वो सहमत हो जाती है। आखिरकार राहुल और पूजा करीबी दोस्त बन गए। निशा जल्द ही अस्पताल से लौट आती है और परेशान होती है कि उसे बदल दिया गया है, और ये जानकर बहुत ही ईर्ष्यालु हो जाती है कि राहुल पूजा को पसंद करता है। ये जानते हुए कि राहुल उसके प्यार का बदला नहीं लेता, वो अपने माता पिता से मिलने के लिए लंदन जाने का फैसला करती है। रिहर्सल के दौरान राहुल और पूजा एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। जब राहुल एक दिन पूजा को घर छोड़ता है तो वो अपनी धुन बजाना शुरू कर देता है, जिससे पूजा को एहसास होता है कि वो उस धुन वाले आदमी के प्यार में पड़ गई है जिसे वो अक्सर सुनती थी। अगले दिन दोनों पूजा के पुराने डांस ट्यूटर से मिलने जाते हैं, जिसे पूजा तय कहकर बुलाती है, जिससे पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। नृत्य मंडली के दो सदस्यों की शादी में राहुल और पूजा एक अंतरंग क्षण सजा करता है, लेकिन ये नहीं जानते कि एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार कैसे करे। नाटक के प्रीमियर के कुछ दिन पहले अजय पूजा को आश्चर्यचकित करने के लिए रिहर्सल हॉल में पहुंचता है। वो सबको बताता है कि उसका मंगेतर है, राहुल का दिल टूट गया है, लेकिन वो उसे जाहिर न करने की कोशिश करता है। निशा जो लंदन से लौटी है, राहुल की बर्बादी को देखती है और बताती है कि कैसे वो भी तबाह हो गई थी जब उसने बदले में उससे प्यार नहीं किया। हमेशा सुखद अंत देने की अपनी सामान्य शैली के विपरीत राहुल ने अपने दुख को दर्शने के लिए नाटक के अंत को संपादित किया। प्रीमियर की रात जैसे ही राहुल और पूजा के पात्र मंच पर अलग होने वाले होते हैं, अजय एक रिकॉर्डेड टेप बजाता है जो पूजा उसे अपने प्रस्ताव से पहले भेजने वाली थी, जहां उसने बताया कि वो राहुल के बारे में कैसा महसूस करती है। अजय परोक्ष रूप से पूजा को बता रहा है कि वो और राहुल एक साथ रहने के लिए ही बने हैं। पूजा को अब एहसास हुआ कि वो वास्तव में राहुल से प्यार करती है और दोनों ने मंच पर अपने प्यार का इजहार किया और दर्शकों ने उनकी सराहना की, जिससे नाटक का एक बार फिर सुखद अंत हुआ। इसके अलावा मंच के पीछे अजय ने निशा से पूछा कि क्या वो पहले से शादीशुदा है या नहीं। अब बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। दिल तो पागल है फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहा देखे से फ्री में। राहुल अन्नी शायद विशाल नृत्य मंडली के सदस्य है जो मुंबई में नृत्य आधारित संगीत नाटक प्रस्तुत करते हैं। निशा गुप्त रूप से राहुल से प्यार करती है, लेकिन बाहरी तौर पर ये सिर्फ सबसे अच्छे दोस्त है।
राहुल ने माया नामक एक नए संगीत का निर्देशन करने के लिए अपनी इच्छा की घोषणा की। निशा सहित मंडली के सदस्यों को शीर्षक चरित्र माया के बारे में संदेह है, जिसे राहुल एक ऐसी लड़की के रूप में वर्णित करता है जो सच्चे प्यार में विश्वास करती है और जो अपने आकर्षक राजकुमार की प्रतीक्षा कर रही है, जिसके बारे में उनका मानना है कि वह निश्चित रूप से आएगा और उसे यहाँ से ले जाएगा। निशा को इस लड़की माया की भूमिका निभाने के लिए चुना गया है। मंडली एक नए सदस्य पूजा का स्वागत करती है, जो एक अद्भुत नर्तकी है, साथ ही शास्त्रीय रूप से प्रशिक्षित है और नृत्य की शौकीन है। छोटी उम्र में अनाथ हो जाने के कारण पूजा का पालन पोषण उसके माता पिता की करीबी दोस्तों ने किया। पूजा और राहुल के बीच बार बार एक दूसरे से टकराने की स्थिति पैदा हो गई है। इनमें से प्रत्येक उदाहरण को पृष्ठभूमि में बजने वाली एक धुन द्वारा चिन्हित किया गया है, जो पूजा के साथ पंजीकृत है। अपने पालक पूजा परिवार के प्यार करने वाली पूजा की जल्द ही उसके अभिभावक का बेटा अजय, उसका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त जो वर्षों से लंदन में काम कर रहा है, जर्मनी ले जाता है। जैसे ही अजय लंदन वापस जाने के लिए निकलता है, वो पूजा को प्रपोज करता है। एक दुविधा में पूजा उसके विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। इस बीच आगामी नाटक के लिए रिहर्सल के दौरान निशा के पैर में चोट लग जाती है और डॉक्टर उसे बिस्तर पर आराम करने और कुछ महीनों तक नृत्य ना करने की सलाह देते हैं। नाटक में निशा की जगह लेने के लिए एक नई नर्तकी की तलाश में वो एक दिन पूजा को नृत्य करते हुए देखता है और मानता है कि वो इस भूमिका के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। वो उससे रिहर्सल में आने का आग्रह करता है और वह झिझक के बाद वो सहमत हो जाती है। आखिरकार राहुल और पूजा करीबी दोस्त बन गए। निशा जल्द ही अस्पताल से लौट आती है और परेशान होती है कि उसे बदल दिया गया है, और ये जानकर बहुत ही ईर्ष्यालु हो जाती है कि राहुल पूजा को पसंद करता है। ये जानते हुए कि राहुल उसके प्यार का बदला नहीं लेता, वो अपने माता पिता से मिलने के लिए लंदन जाने का फैसला करती है। रिहर्सल के दौरान राहुल और पूजा एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। जब राहुल एक दिन पूजा को घर छोड़ता है तो वो अपनी धुन बजाना शुरू कर देता है, जिससे पूजा को एहसास होता है कि वो उस धुन वाले आदमी के प्यार में पड़ गई है, जिसे वो अक्सर सुनती थी। अगले दिन दोनों पूजा के पुराने डांस ट्यूटर से मिलने जाते हैं, जिसे पूजा तय कहकर बुलाती है, जिससे पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। नृत्य मंडली के दो सदस्यों की शादी में राहुल और पूजा एक अंतरंग क्षण सजा करता है, लेकिन ये नहीं जानते कि एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार कैसे करें। नाटक के प्रीमियर के कुछ दिन पहले अजय पूजा को आश्चर्यचकित करने के लिए रिहर्सल हॉल में पहुंचता है। वो सबको बताता है कि उसका मंगेतर है, राहुल का दिल टूट गया है, लेकिन वो उसे जाहिर न करने की कोशिश करता है। निशा जो लंदन से लौटी है, राहुल की बर्बादी को देखती है और बताती है कि कैसे वो भी तबाह हो गई थी जब उसने बदले में उससे प्यार नहीं किया। हमेशा सुखद अंत देने की अपनी सामान्य शैली के विपरीत राहुल ने अपने दुख को दर्शने के लिए नाटक के अंत को संपादित किया। प्रीमियर की रात जैसे ही राहुल और पूजा के पात्र मंच पर अलग होने वाले होते हैं, अजय एक रिकॉर्डेड टेप बजाता है जो पूजा उसे अपने प्रस्ताव से पहले भेजने वाली थी, जहां उसने बताया कि वो राहुल के बारे में कैसा महसूस करती है। अजय परोक्ष रूप से पूजा को बता रहा है कि वो और राहुल एक साथ रहने के लिए ही बने हैं। पूजा को अब एहसास हुआ कि वो वास्तव में राहुल से प्यार करती है और दोनों ने मंच पर अपने प्यार का इजहार किया और दर्शकों ने उनकी सराहना की, जिससे नाटक का एक बार फिर सुखद अंत हुआ। इसके अलावा मंच के पीछे अजय ने निशा से पूछा कि क्या वो पहले से शादीशुदा है या नहीं। अब बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। दिल तो पागल है फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहां देखें इसे फ्री में। राहुल और निशा एक विशाल नृत्य मंडली के सदस्य है जो मुंबई में नृत्य आधारित संगीत नाटक प्रस्तुत करते हैं। निशा गुप्त रूप से राहुल से प्यार करती है, लेकिन बाहरी तौर पर ये सिर्फ सबसे अच्छे दोस्त है। राहुल ने माया नामक एक नए संगीत का निर्देशन करने के लिए अपनी इच्छा की घोषणा की। निशा सहित मंडली के सदस्यों को शीर्षक चरित्र माया के बारे में संदेह है, जिसे राहुल एक ऐसी लड़की के रूप में वर्णित करता है जो सच्चे प्यार में विश्वास करती है और जो अपने आकर्षक राजकुमार की प्रतीक्षा कर रही है, जिसके बारे में उनका मानना है कि वह निश्चित रूप से आएगा और उसे यहाँ से ले जाएगा।
निशा को इस लड़की माँ की भूमिका निभाने के लिए चुना गया है। मंडली एक नए सदस्य पूजा का स्वागत करती है जो एक अद्भुत नर्तकी है, साथ ही शास्त्रीय रूप से प्रशिक्षित है और नृत्य की शौकीन है। छोटी उम्र में अनाथ हो जाने के कारण पूजा का पालन पोषण उसके माता पिता की करीबी दोस्तों ने किया। पूजा और राहुल के बीच बार बार एक दूसरे से टकराने की स्थिति पैदा हो गई है। इनमें से प्रत्येक उदाहरण को पृष्ठभूमि में बजने वाली एक धुन द्वारा चिन्हित किया गया है जो पूजा के साथ पंजीकृत है। अपने पालक पूजा परिवार के प्यार करने वाली पूजा की जल्द ही उसके अभिभावक का बेटा अजय, उसका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त जो बरसों से लंदन में काम कर रहा है, जर्मनी ले जाता है। जैसे ही अजय लंदन वापस जाने के लिए निकलता है वो पूजा को प्रपोज करता है। एक दुविधा में पूजा उसके विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। इस बीच आगामी नाटक के लिए रिहर्सल के दौरान निशा के पैर में चोट लग जाती है और डॉक्टर उसे बिस्तर पर आराम करने और कुछ महीनों तक नृत्य ना करने की सलाह देते हैं। नाटक में निशा की जगह लेने के लिए एक नई नर्तकी की तलाश में वो एक दिन पूजा को नृत्य करते हुए देखता है और मानता है कि वो इस भूमिका के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। वो उससे रिहर्सल में आने का आग्रह करता है और वह झिझक के बाद वो सहमत हो जाती है। आखिरकार राहुल और पूजा करीबी दोस्त बन गए। निशा जल्द ही अस्पताल से लौट आती है और परेशान होती है कि उसे बदल दिया गया है और ये जानकर बहुत ही ईर्ष्यालु हो जाती है कि राहुल पूजा को पसंद करता है। ये जानते हुए कि राहुल उसके प्यार का बदला नहीं लेता, वो अपने माता पिता से मिलने के लिए लंदन जाने का फैसला करती है। रिहर्सल के दौरान राहुल और पूजा एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। जब राहुल एक दिन पूजा को घर छोड़ता है तो वो अपनी धुन बजाना शुरू कर देता है, जिससे पूजा को एहसास होता है कि वो उस धुन वाले आदमी के प्यार में पड़ गई है जिसे वो अक्सर सुनती थी। अगले दिन दोनों पूजा के पुराने डांस ट्यूटर से मिलने जाते हैं, जिसे पूजा तय कहकर बुलाती है, जिससे पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। नृत्य मंडली के दो सदस्यों की शादी में राहुल और पूजा एक अंतरंग क्षण सजा करता है, लेकिन ये नहीं जानते कि एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार कैसे करे। नाटक के प्रीमियर के कुछ दिन पहले अजय पूजा को आश्चर्यचकित करने के लिए रिहर्सल हॉल में पहुंचता है। वो सबको बताता है कि उसका मंगेतर है राहुल का दिल टूट गया है, लेकिन वो उसे जाहिर न करने की कोशिश करता है। निशा जो लंदन से लौटी है राहुल की बर्बादी को देखती है और बताती है कि कैसे वो भी तबाह हो गई थी जब उसने बदले में उससे प्यार नहीं किया। हमेशा सुखद अंत देने की अपनी सामान्य शैली के विपरीत राहुल ने अपने दुख को दर्शने के लिए नाटक के अंत को संपादित किया। प्रीमियर की रात जैसे ही राहुल और पूजा के पात्र मंच पर अलग होने वाले होते हैं, अजय एक रिकॉर्डेड टेप बजाता है जो पूजा उसे अपने प्रस्ताव से पहले भेजने वाली थी, जहां उसने बताया कि वो राहुल के बारे में कैसा महसूस करती है। अजय परोक्ष रूप से पूजा को बता रहा है कि वो और राहुल एक साथ रहने के लिए ही बने हैं। पूजा को अब एहसास हुआ कि वो वास्तव में राहुल से प्यार करती है और दोनों ने मंच पर अपने प्यार का इजहार किया और दर्शकों ने उनकी सराहना की, जिससे नाटक का एक बार फिर सुखद अंत हुआ। इसके अलावा मंच के पीछे अजय ने निशा से पूछा कि क्या वो पहले से शादीशुदा है या नहीं। अब बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। दिल तो पागल है फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहां देखें इसे फ्री में। राहुल और निशा एक विशाल नृत्य मंडली के सदस्य है जो मुंबई में नृत्य आधारित संगीत नाटक प्रस्तुत करते हैं। निशा गुप्त रूप से राहुल से प्यार करती है, लेकिन बाहरी तौर पर ये सिर्फ सबसे अच्छे दोस्त है। राहुल ने माया नामक एक नए संगीत का निर्देशन करने के लिए अपनी इच्छा की घोषणा की। निशा सहित मंडली के सदस्यों को शीर्षक चरित्र माया के बारे में संदेह है, जिसे राहुल एक ऐसी लड़की के रूप में वर्णित करता है जो सच्चे प्यार में विश्वास करती है और जो अपने आकर्षक राजकुमार की प्रतीक्षा कर रही है, जिसके बारे में उनका मानना है कि वह निश्चित रूप से आएगा और उसे यहाँ से ले जाएगा। निशा को इस लड़की माँ की भूमिका निभाने के लिए चुना गया है। मंडली एक नए सदस्य पूजा का स्वागत करती है जो एक अद्भुत नर्तकी है, साथ ही शास्त्रीय रूप से प्रशिक्षित है और नृत्य की शौकीन है। छोटी उम्र में अनाथ हो जाने के कारण पूजा का पालन पोषण उसके माता पिता की करीबी दोस्तों ने किया। पूजा और राहुल के बीच बार बार एक दूसरे से टकराने की स्थिति पैदा हो गई है। इनमें से प्रत्येक उदाहरण को पृष्ठभूमि में
बजने वाली एक धुन द्वारा चिन्हित किया गया है जो पूजा के साथ पंजीकृत है। अपने पालक पूजा परिवार के प्यार करने वाली पूजा की जल्द ही उसके अभिभावक का बेटा अजय, उसका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त जो बरसों से लंदन में काम कर रहा है, जर्मनी ले जाता है। जैसे ही अजय लंदन वापस जाने के लिए निकलता है, वो पूजा को प्रपोज करता है। एक दुविधा में पूजा उसके विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। इस बीच आगामी नाटक के लिए रिहर्सल के दौरान निशा के पैर में चोट लग जाती है और डॉक्टर उसे बिस्तर पर आराम करने और कुछ महीनों तक नृत्य ना करने की सलाह देते हैं। नाटक में निशा की जगह लेने के लिए एक नई नर्तकी की तलाश में वो एक दिन पूजा को नृत्य करते हुए देखता है और मानता है कि वो इस भूमिका के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। वो उससे रिहर्सल में आने का आग्रह करता है और वह झिझक के बाद वो सहमत हो जाती है। आखिरकार राहुल और पूजा करीबी दोस्त बन गए। निशा जल्द ही अस्पताल से लौट आती है और परेशान होती है कि उसे बदल दिया गया है और ये जानकर बहुत ही ईर्ष्यालु हो जाती है कि राहुल पूजा को पसंद करता है। ये जानते हुए कि राहुल उसके प्यार का बदला नहीं लेता, वो अपने माता पिता से मिलने के लिए लंदन जाने का फैसला करती है। रिहर्सल के दौरान राहुल और पूजा एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। जब राहुल एक दिन पूजा को घर छोड़ता है तो वो अपनी धुन बजाना शुरू कर देता है, जिससे पूजा को एहसास होता है कि वो उस धुन वाले आदमी के प्यार में पड़ गई है जिसे वो अक्सर सुनती थी। अगले दिन दोनों पूजा के पुराने डांस ट्यूटर से मिलने जाते हैं, जिसे पूजा तय कहकर बुलाती है, जिससे पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। नृत्य मंडली के दो सदस्य की शादी में राहुल और पूजा एक अंतरंग क्षण सजा करता है, लेकिन ये नहीं जानते कि एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार कैसे करे। नाटक के प्रीमियर के कुछ दिन पहले अजय पूजा को आश्चर्यचकित करने के लिए रिहर्सल हॉल में पहुंचता है। वो सबको बताता है कि उसका मंगेतर है राहुल का दिल टूट गया है, लेकिन वो उसे जाहिर न करने की कोशिश करता है। निशा जो लंदन से लौटी है राहुल की बर्बादी को देखती है और बताती है कि कैसे वो भी तबाह हो गई थी जब उसने बदले में उससे प्यार नहीं किया। हमेशा सुखद अंत देने की अपनी सामान्य शैली के विपरीत राहुल ने अपने दुख को दर्शने के लिए नाटक के अंत को संपादित किया। प्रीमियर की रात जैसे ही राहुल और पूजा के पात्र मंच पर अलग होने वाले होते हैं, अजय एक रिकॉर्डेड टेप बजाता है जो पूजा उसे अपने प्रस्ताव से पहले भेजने वाली थी, जहां उसने बताया कि वो राहुल के बारे में कैसा महसूस करती है। अजय परोक्ष रूप से पूजा को बता रहा है कि वो और राहुल एक साथ रहने के लिए ही बने हैं। पूजा को अब एहसास हुआ कि वो वास्तव में राहुल से प्यार करती है और दोनों ने मंच पर अपने प्यार का इजहार किया और दर्शकों ने उनकी सराहना की, जिससे नाटक का एक बार फिर सुखद अंत हुआ। इसके अलावा मंच के पीछे अजय ने निशा से पूछा कि क्या वो पहले से शादीशुदा है या नहीं। अब बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। दिल तो पागल है फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहां देखें इसे फ्री में। राहुल और निशा एक विशाल नृत्य मंडली के सदस्य है जो मुंबई में नृत्य आधारित संगीत नाटक प्रस्तुत करते हैं। निशा गुप्त रूप से राहुल से प्यार करती है, लेकिन बाहरी तौर पर ये सिर्फ सबसे अच्छे दोस्त है। राहुल ने माया नामक एक नए संगीत का निर्देशन करने के लिए अपनी इच्छा की घोषणा की। निशा सहित मंडली के सदस्यों को शीर्षक चरित्र माया के बारे में संदेह है, जिसे राहुल एक ऐसी लड़की के रूप में वर्णित करता है जो सच्चे प्यार में विश्वास करती है और जो अपने आकर्षक राजकुमार की प्रतीक्षा कर रही है, जिसके बारे में उनका मानना है कि वह निश्चित रूप से आएगा और उसे यहाँ से ले जाएगा। निशा को इस लड़की माँ की भूमिका निभाने के लिए चुना गया है। मंडली एक नए सदस्य पूजा का स्वागत करती है जो एक अद्भुत नर्तकी है, साथ ही शास्त्रीय रूप से प्रशिक्षित है और नृत्य की शौकीन है। छोटी उम्र में अनाथ हो जाने के कारण पूजा का पालन पोषण उसके माता पिता की करीबी दोस्तों ने किया। पूजा और राहुल के बीच बार बार एक दूसरे से टकराने की स्थिति पैदा हो गई है। इनमें से प्रत्येक उदाहरण को पृष्ठभूमि में बजने वाली एक धुन द्वारा चिन्हित किया गया है जो पूजा के साथ पंजीकृत है। अपने पालक पूजा परिवार के प्यार करने वाली पूजा की जल्द ही उसके अभिभावक का बेटा अजय, उसका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त जो बरसों से लंदन में काम कर रहा है, जर्मनी ले जाता है। जैसे ही अजय लंदन वापस जाने के लिए निकलता है, वो पूजा को प्रपोज करता है। एक दुविधा में पूजा उसके विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है।
इस बीच आगामी नाटक के लिए रिहर्सल के दौरान निशा के पैर में चोट लग जाती है और डॉक्टर उसे बिस्तर पर आराम करने और कुछ महीनों तक नृत्य ना करने की सलाह देते हैं। नाटक में निशा की जगह लेने के लिए एक नई नर्तकी की तलाश में वो एक दिन पूजा को नृत्य करते हुए देखता है और मानता है कि वो इस भूमिका के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। वो उससे रिहर्सल में आने का आग्रह करता है और वह झिझक के बाद वो सहमत हो जाती है। आखिरकार राहुल और पूजा करीबी दोस्त बन गए। निशा जल्दी अस्पताल से लौट आती है और परेशान होती है कि उसे बदल दिया गया है और ये जानकर बहुत ही ईर्ष्यालु हो जाती है कि राहुल पूजा को पसंद करता है। ये जानते हुए कि राहुल उसके प्यार का बदला नहीं लेता, वो अपने माता पिता से मिलने के लिए लंदन जाने का फैसला करती है। रिहर्सल के दौरान राहुल और पूजा एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। जब राहुल एक दिन पूजा को घर छोड़ता है तो वो अपनी धुन बजाना शुरू कर देता है, जिससे पूजा को एहसास होता है कि वो उस धुन वाले आदमी के प्यार में पड़ गई है जिसे वो अक्सर सुनती थी। अगले दिन दोनों पूजा के पुराने डांस ट्यूटर से मिलने जाते हैं, जिसे पूजा तय कहकर बुलाती है, जिससे पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। नृत्य मंडली के दो सदस्यों की शादी में राहुल और पूजा एक अंतरंग क्षण सजा करता है, लेकिन ये नहीं जानते कि एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार कैसे करे। नाटक के प्रीमियर के कुछ दिन पहले अजय पूजा को आश्चर्यचकित करने के लिए रिहर्सल हॉल में पहुंचता है। वो सबको बताता है कि उसका मंगेतर है राहुल का दिल टूट गया है, लेकिन वो उसे जाहिर न करने की कोशिश करता है। निशा जो लंदन से लौटी है राहुल की बर्बादी को देखती है और बताती है कि कैसे वो भी तबाह हो गई थी जब उसने बदले में उससे प्यार नहीं किया। हमेशा सुखद अंत देने की अपनी सामान्य शैली के विपरीत राहुल ने अपने दुख को दर्शने के लिए नाटक के अंत को संपादित किया। प्रीमियर की रात जैसे ही राहुल और पूजा के पात्र मंच पर अलग होने वाले होते हैं, अजय एक रिकॉर्डेड टेप बजाता है जो पूजा उसे अपने प्रस्ताव से पहले भेजने वाली थी, जहां उसने बताया कि वो राहुल के बारे में कैसा महसूस करती है। अजय परोक्ष रूप से पूजा को बता रहा है कि वो और राहुल एक साथ रहने के लिए ही बने हैं। पूजा को अब एहसास हुआ कि वो वास्तव में राहुल से प्यार करती है और दोनों ने मंच पर अपने प्यार का इजहार किया और दर्शकों ने उनकी सराहना की, जिससे नाटक का एक बार फिर सुखद अंत हुआ। इसके अलावा मंच के पीछे अजय ने निशा से पूछा कि क्या वो पहले से शादीशुदा है या नहीं। अब बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। दिल तो पागल है फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहा देखे इसे फ्री में। राहुल और निशा एक विशाल नृत्य मंडली के सदस्य है जो मुंबई में नृत्य आधारित संगीत नाटक प्रस्तुत करते हैं। निशा गुप्त रूप से राहुल से प्यार करती है, लेकिन बाहरी तौर पर ये सिर्फ सबसे अच्छे दोस्त है। राहुल ने माया नामक एक नए संगीत का निर्देशन करने के लिए अपनी इच्छा की घोषणा की। निशा सहित मंडली के सदस्यों को शीर्षक चरित्र माया के बारे में संदेह है, जिसे राहुल एक ऐसी लड़की के रूप में वर्णित करता है जो सच्चे प्यार में विश्वास करती है और जो अपने आकर्षक राजकुमार की प्रतीक्षा कर रही है, जिसके बारे में उनका मानना है कि वह निश्चित रूप से आएगा और उसे यहाँ से ले जाएगा। निशा को इस लड़की माया की भूमिका निभाने के लिए चुना गया है। मंडली एक नए सदस्य पूजा का स्वागत करती है जो एक अद्भुत नर्तकी है, साथ ही शास्त्रीय रूप से प्रशिक्षित है और नृत्य की शौकीन है। छोटी उम्र में अनाथ हो जाने के कारण पूजा का पालन पोषण उसके माता पिता की करीबी दोस्तों ने किया। पूजा और राहुल के बीच बार बार एक दूसरे से टकराने की स्थिति पैदा हो गई है। इनमें से प्रत्येक उदाहरण को पृष्ठभूमि में बजने वाली एक धुन द्वारा चिन्हित किया गया है जो पूजा के साथ पंजीकृत है। अपने पालक पूजा परिवार के प्यार करने वाली पूजा की जल्द ही उसके अभिभावक का बेटा अजय, उसका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त जो वर्षों से लंदन में काम कर रहा है, जर्मनी ले जाता है। जैसे ही अजय लंदन वापस जाने के लिए निकलता है, वो पूजा को प्रपोज करता है। एक दुविधा में पूजा उसके विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। इस बीच आगामी नाटक के लिए रिहर्सल के दौरान निशा के पैर में चोट लग जाती है और डॉक्टर उसे बिस्तर पर आराम करने और कुछ महीनों तक नृत्य ना करने की सलाह देते हैं। नाटक में निशा की जगह लेने के लिए एक नई नर्तकी की तलाश में वो एक दिन पूजा को नृत्य करते हुए देखता है और मानता है कि वो इस भूमिका के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। वो उससे रिहर्सल में आने का आग्रह करता है और वह झिझक के बाद वो सहमत हो जाती है।
आखिरकार राहुल और पूजा करीबी दोस्त बन गए। निशा जल्दी अस्पताल से लौट आती है और परेशान होती है कि उसे बदल दिया गया है और ये जानकर बहुत ही ईर्ष्यालु हो जाती है कि राहुल पूजा को पसंद करता है। ये जानते हुए कि राहुल उसके प्यार का बदला नहीं लेता, वो अपने माता पिता से मिलने के लिए लंदन जाने का फैसला करती है। रिहर्सल के दौरान राहुल और पूजा एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। जब राहुल एक दिन पूजा को घर छोड़ता है तो वो अपनी धुन बजाना शुरू कर देता है, जिससे पूजा को एहसास होता है कि वो उस धुन वाले आदमी के प्यार में पड़ गई है जिसे वो अक्सर सुनती थी। अगले दिन दोनों पूजा के पुराने डांस ट्यूटर से मिलने जाते हैं, जिसे पूजा तय कहकर बुलाती है, जिससे पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। नृत्य मंडली के दो सदस्य की शादी में राहुल और पूजा एक अंतरंग क्षण सजा करता है, लेकिन ये नहीं जानते कि एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार कैसे करे। नाटक के प्रीमियर के कुछ दिन पहले अजय पूजा को आश्चर्यचकित करने के लिए रिहर्सल हॉल में पहुंचता है। वो सबको बताता है कि उसका मंगेतर है राहुल का दिल टूट गया है, लेकिन वो उसे जाहिर न करने की कोशिश करता है। निशा जो लंदन से लौटी है राहुल की बर्बादी को देखती है और बताती है कि कैसे वो भी तबाह हो गई थी जब उसने बदले में उससे प्यार नहीं किया। हमेशा सुखद अंत देने की अपनी सामान्य शैली के विपरीत राहुल ने अपने दुख को दर्शने के लिए नाटक के अंत को संपादित किया। प्रीमियर की रात जैसे ही राहुल और पूजा के पात्र मंच पर अलग होने वाले होते हैं, अजय एक रिकॉर्डेड टेप बजाता है जो पूजा उसे अपने प्रस्ताव से पहले भेजने वाली थी, जहां उसने बताया कि वो राहुल के बारे में कैसा महसूस करती है। अजय परोक्ष रूप से पूजा को बता रहा है कि वो और राहुल एक साथ रहने के लिए ही बने हैं। पूजा को अब एहसास हुआ कि वो वास्तव में राहुल से प्यार करती है और दोनों ने मंच पर अपने प्यार का इजहार किया और दर्शकों ने उनकी सराहना की, जिससे नाटक का एक बार फिर सुखद अंत हुआ। इसके अलावा मंच के पीछे अजय ने निशा से पूछा कि क्या वो पहले से शादीशुदा है या नहीं। अब बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। दिल तो पागल है फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहां देखें इसे फ्री में। राहुल और निशा एक विशाल नृत्य मंडली के सदस्य है जो मुंबई में नृत्य आधारित संगीत नाटक प्रस्तुत करते हैं। निशा गुप्त रूप से राहुल से प्यार करती है, लेकिन बाहरी तौर पर ये सिर्फ सबसे अच्छे दोस्त है। राहुल ने माया नामक एक नए संगीत का निर्देशन करने के लिए अपनी इच्छा की घोषणा की। निशा सहित मंडली के सदस्यों को शीर्षक चरित्र माया के बारे में संदेह है, जिसे राहुल एक ऐसी लड़की के रूप में वर्णित करता है जो सच्चे प्यार में विश्वास करती है और जो अपने आकर्षक राजकुमार की प्रतीक्षा कर रही है, जिसके बारे में उनका मानना है कि वह निश्चित रूप से आएगा और उसे यहाँ से ले जाएगा। निशा को इस लड़की माया की भूमिका निभाने के लिए चुना गया है। मंडली एक नए सदस्य पूजा का स्वागत करती है जो एक अद्भुत नर्तकी है, साथ ही शास्त्रीय रूप से प्रशिक्षित है और नृत्य की शौकीन है। छोटी उम्र में अनाथ हो जाने के कारण पूजा का पालन पोषण उसके माता पिता की करीबी दोस्तों ने किया। पूजा और राहुल के बीच बार बार एक दूसरे से टकराने की स्थिति पैदा हो गई है। इनमें से प्रत्येक उदाहरण को पृष्ठभूमि में बजने वाली एक धुन द्वारा चिन्हित किया गया है जो पूजा के साथ पंजीकृत है। अपने पालक पूजा परिवार के प्यार करने वाली पूजा की जल्द ही उसके अभिभावक का बेटा अजय, उसका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त जो वर्षों से लंदन में काम कर रहा है, जर्मनी ले जाता है। जैसे ही अजय लंदन वापस जाने के लिए निकलता है, वो पूजा को प्रपोज करता है। एक दुविधा में पूजा उसके विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। इस बीच आगामी नाटक के लिए रिहर्सल के दौरान निशा के पैर में चोट लग जाती है और डॉक्टर उसे बिस्तर पर आराम करने और कुछ महीनों तक नृत्य ना करने की सलाह देते हैं। नाटक में निशा की जगह लेने के लिए एक नई नर्तकी की तलाश में वो एक दिन पूजा को नृत्य करते हुए देखता है और मानता है कि वो इस भूमिका के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। वो उससे रिहर्सल में आने का आग्रह करता है और वह झिझक के बाद वो सहमत हो जाती है। आखिरकार राहुल और पूजा करीबी दोस्त बन गए। निशा जल्दी अस्पताल से लौट आती है और परेशान होती है कि उसे बदल दिया गया है और ये जानकर बहुत ही ईर्ष्यालु हो जाती है कि राहुल पूजा को पसंद करता है। ये जानते हुए कि राहुल उसके प्यार का बदला नहीं लेता, वो अपने माता पिता से मिलने के लिए लंदन जाने का फैसला करती है। रिहर्सल के दौरान राहुल और पूजा एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। जब राहुल एक दिन पूजा को घर छोड़ता है तो वो अपनी धुन
बजाना शुरू कर देता है, जिससे पूजा को एहसास होता है कि वो उस धुन वाले आदमी के प्यार में पड़ गई है जिसे वो अक्सर सुनती थी। अगले दिन दोनों पूजा के पुराने डांस ट्यूटर से मिलने जाते हैं, जिसे पूजा तय कहकर बुलाती है, जिससे पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। नृत्य मंडली के दो सदस्य की शादी में राहुल और पूजा एक अंतरंग क्षण सजा करता है, लेकिन ये नहीं जानते कि एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार कैसे करें। नाटक के प्रीमियर के कुछ दिन पहले अजय पूजा को आश्चर्यचकित करने के लिए रिहर्सल हॉल में पहुंचता है। वो सबको बताता है कि उसका मंगेतर है राहुल का दिल टूट गया है, लेकिन वो उसे जाहिर न करने की कोशिश करता है। निशा जो लंदन से लौटी है राहुल की बर्बादी को देखती है और बताती है कि कैसे वो भी तबाह हो गई थी जब उसने बदले में उससे प्यार नहीं किया। हमेशा सुखद अंत देने की अपनी सामान्य शैली के विपरीत राहुल ने अपने दुख को दर्शने के लिए नाटक के अंत को संपादित किया। प्रीमियर की रात जैसे ही राहुल और पूजा के पात्र मंच पर अलग होने वाले होते हैं, अजय एक रिकॉर्डेड टेप बजाता है जो पूजा उसे अपने प्रस्ताव से पहले भेजने वाली थी, जहां उसने बताया कि वो राहुल के बारे में कैसा महसूस करती है। अजय परोक्ष रूप से पूजा को बता रहा है कि वो और राहुल एक साथ रहने के लिए ही बने हैं। पूजा को अब एहसास हुआ कि वो वास्तव में राहुल से प्यार करती है और दोनों ने मंच पर अपने प्यार का इजहार किया और दर्शकों ने उनकी सराहना की, जिससे नाटक का एक बार फिर सुखद अंत हुआ। इसके अलावा मंच के पीछे अजय ने निशा से पूछा कि क्या वो पहले से शादीशुदा है या नहीं। अब बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। दिल तो पागल है फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहां देखें इसे फ्री में। राहुल और निशा एक विशाल नृत्य मंडली के सदस्य है जो मुंबई में नृत्य आधारित संगीत नाटक प्रस्तुत करते हैं। निशा गुप्त रूप से राहुल से प्यार करती है, लेकिन बाहरी तौर पर ये सिर्फ सबसे अच्छे दोस्त है। राहुल ने माया नामक एक नए संगीत का निर्देशन करने के लिए अपनी इच्छा की घोषणा की। निशा सहित मंडली के सदस्यों को शीर्षक चरित्र माया के बारे में संदेह है, जिसे राहुल एक ऐसी लड़की के रूप में वर्णित करता है जो सच्चे प्यार में विश्वास करती है और जो अपने आकर्षक राजकुमार की प्रतीक्षा कर रही है, जिसके बारे में उनका मानना है कि वह निश्चित रूप से आएगा और उसे यहाँ से ले जाएगा। निशा को इस लड़की माया की भूमिका निभाने के लिए चुना गया है। मंडली एक नए सदस्य पूजा का स्वागत करती है जो एक अद्भुत नर्तकी है, साथ ही शास्त्रीय रूप से प्रशिक्षित है और नृत्य की शौकीन है। छोटी उम्र में अनाथ हो जाने के कारण पूजा का पालन पोषण उसके माता पिता की करीबी दोस्तों ने किया। पूजा और राहुल के बीच बार बार एक दूसरे से टकराने की स्थिति पैदा हो गई है। इनमें से प्रत्येक उदाहरण को पृष्ठभूमि में बजने वाली एक धुन द्वारा चिन्हित किया गया है जो पूजा के साथ पंजीकृत है। अपने पालक पूजा परिवार के प्यार करने वाली पूजा की जल्द ही उसके अभिभावक का बेटा अजय, उसका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त जो बरसों से लंदन में काम कर रहा है, जर्मनी ले जाता है। जैसे ही अजय लंदन वापस जाने के लिए निकलता है, वो पूजा को प्रपोज करता है। एक दुविधा में पूजा उसके विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। इस बीच आगामी नाटक के लिए रिहर्सल के दौरान निशा के पैर में चोट लग जाती है और डॉक्टर उसे बिस्तर पर आराम करने और कुछ महीनों तक नृत्य ना करने की सलाह देते हैं। नाटक में निशा की जगह लेने के लिए एक नई नर्तकी की तलाश में वो एक दिन पूजा को नृत्य करते हुए देखता है और मानता है कि वो इस भूमिका के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। वो उससे रिहर्सल में आने का आग्रह करता है और वह झिझक के बाद वो सहमत हो जाती है। आखिरकार राहुल और पूजा करीबी दोस्त बन गए। निशा जल्द ही अस्पताल से लौट आती है और परेशान होती है कि उसे बदल दिया गया है और ये जानकर बहुत ही ईर्ष्यालु हो जाती है कि राहुल पूजा को पसंद करता है। ये जानते हुए कि राहुल उसके प्यार का बदला नहीं लेता, वो अपने माता पिता से मिलने के लिए लंदन जाने का फैसला करती है। रिहर्सल के दौरान राहुल और पूजा एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। जब राहुल एक दिन पूजा को घर छोड़ता है तो वो अपनी धुन बजाना शुरू कर देता है, जिससे पूजा को एहसास होता है कि वो उस धुन वाले आदमी के प्यार में पड़ गई है जिसे वो अक्सर सुनती थी। अगले दिन दोनों पूजा के पुराने डांस ट्यूटर से मिलने जाते हैं, जिसे पूजा तय कहकर बुलाती है, जिससे पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। नृत्य मंडली के दो सदस्य की शादी में राहुल और पूजा एक अंतरंग क्षण सजा करता है, लेकिन ये नहीं जानते कि एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार कैसे करें।
नाटक के प्रीमियर के कुछ दिन पहले अजय पूजा को आश्चर्यचकित करने के लिए रिहर्सल हॉल में पहुंचता है। वो सबको बताता है कि उसका मंगेतर है राहुल का दिल टूट गया है, लेकिन वो उसे जाहिर न करने की कोशिश करता है। निशा जो लंदन से लौटी है राहुल की बर्बादी को देखती है और बताती है कि कैसे वो भी तबाह हो गई थी जब उसने बदले में उससे प्यार नहीं किया। हमेशा सुखद अंत देने की अपनी सामान्य शैली के विपरीत राहुल ने अपने दुख को दर्शने के लिए नाटक के अंत को संपादित किया। प्रीमियर की रात जैसे ही राहुल और पूजा के पात्र मंच पर अलग होने वाले होते हैं, अजय एक रिकॉर्डेड टेप बजाता है जो पूजा उसे अपने प्रस्ताव से पहले भेजने वाली थी, जहां उसने बताया कि वो राहुल के बारे में कैसा महसूस करती है। अजय परोक्ष रूप से पूजा को बता रहा है कि वो और राहुल एक साथ रहने के लिए ही बने हैं। पूजा को अब एहसास हुआ कि वो वास्तव में राहुल से प्यार करती है और दोनों ने मंच पर अपने प्यार का इजहार किया और दर्शकों ने उनकी सराहना की, जिससे नाटक का एक बार फिर सुखद अंत हुआ। इसके अलावा मंच के पीछे अजय ने निशा से पूछा कि क्या वो पहले से शादीशुदा है या नहीं। अब बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। दिल तो पागल है फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहां देखें इसे फ्री में। राहुल और निशा एक विशाल नृत्य मंडली के सदस्य है जो मुंबई में नृत्य आधारित संगीत नाटक प्रस्तुत करते हैं। निशा गुप्त रूप से राहुल से प्यार करती है, लेकिन बाहरी तौर पर ये सिर्फ सबसे अच्छे दोस्त है। राहुल ने माया नामक एक नए संगीत का निर्देशन करने के लिए अपनी इच्छा की घोषणा की। निशा सहित मंडली के सदस्यों को शीर्षक चरित्र माया के बारे में संदेह है, जिसे राहुल एक ऐसी लड़की के रूप में वर्णित करता है जो सच्चे प्यार में विश्वास करती है और जो अपने आकर्षक राजकुमार की प्रतीक्षा कर रही है, जिसके बारे में उनका मानना है कि वह निश्चित रूप से आएगा और उसे यहाँ से ले जाएगा। निशा को इस लड़की माया की भूमिका निभाने के लिए चुना गया है। मंडली एक नए सदस्य पूजा का स्वागत करती है जो एक अद्भुत नर्तकी है, साथ ही शास्त्रीय रूप से प्रशिक्षित है और नृत्य की शौकीन है। छोटी उम्र में अनाथ हो जाने के कारण पूजा का पालन पोषण उसके माता पिता की करीबी दोस्तों ने किया। पूजा और राहुल के बीच बार बार एक दूसरे से टकराने की स्थिति पैदा हो गई है। इनमें से प्रत्येक उदाहरण को पृष्ठभूमि में बजने वाली एक धुन द्वारा चिन्हित किया गया है जो पूजा के साथ पंजीकृत है। अपने पालक पूजा परिवार के प्यार करने वाली पूजा की जल्द ही उसके अभिभावक का बेटा अजय, उसका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त जो वर्षों से लंदन में काम कर रहा है, जर्मनी ले जाता है। जैसे ही अजय लंदन वापस जाने के लिए निकलता है, वो पूजा को प्रपोज करता है। एक दुविधा में पूजा उसके विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। इस बीच आगामी नाटक के लिए रिहर्सल के दौरान निशा के पैर में चोट लग जाती है और डॉक्टर उसे बिस्तर पर आराम करने और कुछ महीनों तक नृत्य ना करने की सलाह देते हैं। नाटक में निशा की जगह लेने के लिए एक नई नर्तकी की तलाश में वो एक दिन पूजा को नृत्य करते हुए देखता है और मानता है कि वो इस भूमिका के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। वो उससे रिहर्सल में आने का आग्रह करता है और वह झिझक के बाद वो सहमत हो जाती है। आखिरकार राहुल और पूजा करीबी दोस्त बन गए। निशा जल्द ही अस्पताल से लौट आती है और परेशान होती है कि उसे बदल दिया गया है और ये जानकर बहुत ही ईर्ष्यालु हो जाती है कि राहुल पूजा को पसंद करता है। ये जानते हुए कि राहुल उसके प्यार का बदला नहीं लेता, वो अपने माता पिता से मिलने के लिए लंदन जाने का फैसला करती है। रिहर्सल के दौरान राहुल और पूजा एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। जब राहुल एक दिन पूजा को घर छोड़ता है तो वो अपनी धुन बजाना शुरू कर देता है, जिससे पूजा को एहसास होता है कि वो उस धुन वाले आदमी के प्यार में पड़ गई है जिसे वो अक्सर सुनती थी। अगले दिन दोनों पूजा के पुराने डांस ट्यूटर से मिलने जाते हैं, जिसे पूजा तय कहकर बुलाती है, जिससे पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। नृत्य मंडली के दो सदस्यों की शादी में राहुल और पूजा एक अंतरंग क्षण सजा करता है, लेकिन ये नहीं जानते कि एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार कैसे करें। नाटक के प्रीमियर के कुछ दिन पहले अजय पूजा को आश्चर्यचकित करने के लिए रिहर्सल हॉल में पहुंचता है। वो सबको बताता है कि उसका मंगेतर है राहुल का दिल टूट गया है, लेकिन वो उसे जाहिर न करने की कोशिश करता है। निशा जो लंदन से लौटी है राहुल की बर्बादी को देखती है और बताती है कि कैसे वो भी तबाह हो गई थी जब उसने
बदले में उससे प्यार नहीं किया। हमेशा सुखद अंत देने की अपनी सामान्य शैली के विपरीत राहुल ने अपने दुख को दर्शने के लिए नाटक के अंत को संपादित किया। प्रीमियर की रात जैसे ही राहुल और पूजा के पात्र मंच पर अलग होने वाले होते हैं, अजय एक रिकॉर्डेड टेप बजाता है जो पूजा उसे अपने प्रस्ताव से पहले भेजने वाली थी, जहां उसने बताया कि वो राहुल के बारे में कैसा महसूस करती है। अजय परोक्ष रूप से पूजा को बता रहा है कि वो और राहुल एक साथ रहने के लिए ही बने हैं। पूजा को अब एहसास हुआ कि वो वास्तव में राहुल से प्यार करती है और दोनों ने मंच पर अपने प्यार का इजहार किया और दर्शकों ने उनकी सराहना की, जिससे नाटक का एक बार फिर सुखद अंत हुआ। इसके अलावा मंच के पीछे अजय ने निशा से पूछा कि क्या वो पहले से शादीशुदा है या नहीं। अब बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है। दिल तो पागल है फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की पूरी कहानी और जाने कहां देखें इसे फ्री में। राहुल और निशा एक विशाल नृत्य मंडली के सदस्य है जो मुंबई में नृत्य आधारित संगीत नाटक प्रस्तुत करते हैं। निशा गुप्त रूप से राहुल से प्यार करती है, लेकिन बाहरी तौर पर ये सिर्फ सबसे अच्छे दोस्त है। राहुल ने माया नामक एक नए संगीत का निर्देशन करने के लिए अपनी इच्छा की घोषणा की। निशा सहित मंडली के सदस्यों को शीर्षक चरित्र माया के बारे में संदेह है, जिसे राहुल एक ऐसी लड़की के रूप में वर्णित करता है जो सच्चे प्यार में विश्वास करती है और जो अपने आकर्षक राजकुमार की प्रतीक्षा कर रही है, जिसके बारे में उनका मानना है कि वह निश्चित रूप से आएगा और उसे यहाँ से ले जाएगा। निशा को इस लड़की माया की भूमिका निभाने के लिए चुना गया है। मंडली एक नए सदस्य पूजा का स्वागत करती है जो एक अद्भुत नर्तकी है, साथ ही शास्त्रीय रूप से प्रशिक्षित है और नृत्य की शौकीन है। छोटी उम्र में अनाथ हो जाने के कारण पूजा का पालन पोषण उसके माता पिता की करीबी दोस्तों ने किया। पूजा और राहुल के बीच बार बार एक दूसरे से टकराने की स्थिति पैदा हो गई है। इनमें से प्रत्येक उदाहरण को पृष्ठभूमि में बजने वाली एक धुन द्वारा चिन्हित किया गया है जो पूजा के साथ पंजीकृत है। अपने पालक पूजा परिवार के प्यार करने वाली पूजा की जल्द ही उसके अभिभावक का बेटा अजय, उसका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त जो वर्षों से लंदन में काम कर रहा है, जर्मनी ले जाता है। जैसे ही अजय लंदन वापस जाने के लिए निकलता है, वो पूजा को प्रपोज करता है। एक दुविधा में पूजा उसके विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। इस बीच आगामी नाटक के लिए रिहर्सल के दौरान निशा के पैर में चोट लग जाती है और डॉक्टर उसे बिस्तर पर आराम करने और कुछ महीनों तक नृत्य ना करने की सलाह देते हैं। नाटक में निशा की जगह लेने के लिए एक नई नर्तकी की तलाश में वो एक दिन पूजा को नृत्य करते हुए देखता है और मानता है कि वो इस भूमिका के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। वो उससे रिहर्सल में आने का आग्रह करता है और वह झिझक के बाद वो सहमत हो जाती है। आखिरकार राहुल और पूजा करीबी दोस्त बन गए। निशा जल्द ही अस्पताल से लौट आती है और परेशान होती है कि उसे बदल दिया गया है, और ये जानकर बहुत ही ईर्ष्यालु हो जाती है कि राहुल पूजा को पसंद करता है। ये जानते हुए कि राहुल उसके प्यार का बदला नहीं लेता, वो अपने माता पिता से मिलने के लिए लंदन जाने का फैसला करती है। रिहर्सल के दौरान राहुल और पूजा एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। जब राहुल एक दिन पूजा को घर छोड़ता है तो वो अपनी धुन बजाना शुरू कर देता है, जिससे पूजा को एहसास होता है कि वो उस धुन वाले आदमी के प्यार में पड़ गई है जिसे वो अक्सर सुनती थी। अगले दिन दोनों पूजा के पुराने डांस ट्यूटर से मिलने जाते हैं, जिसे पूजा तय कहकर बुलाती है, जिससे पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। नृत्य मंडली के दो सदस्यों की शादी में राहुल और पूजा एक अंतरंग क्षण सजा करता है, लेकिन ये नहीं जानते कि एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार कैसे करे। नाटक के प्रीमियर के कुछ दिन पहले अजय पूजा को आश्चर्यचकित करने के लिए रिहर्सल हॉल में पहुंचता है। वो सबको बताता है कि उसका मंगेतर है। राहुल का दिल टूट गया है, लेकिन वो उसे जाहिर न करने की कोशिश करता है। निशा जो लंदन से लौटी है, राहुल की बर्बादी को देखती है और बताती है कि कैसे वो भी तबाह हो गई थी जब उसने बदले में उससे प्यार नहीं किया। हमेशा सुखद अंत देने की अपनी सामान्य शैली के विपरीत राहुल ने अपने दुख को दर्शने के लिए नाटक के अंत को संपादित किया। प्रीमियर की रात जैसे ही राहुल और पूजा के पात्र मंच पर अलग होने वाले होते हैं, अजय एक
रिकॉर्डेड टेप बजाता है जो पूजा उसे अपने प्रस्ताव से पहले भेजने वाली थी। चाहा उसने बताया कि वो राहुल के बारे में कैसा महसूस करती है। अजय परोक्ष रूप से पूजा को बता रहा है कि वो और राहुल एक साथ रहने के लिए ही बने हैं। पूजा को अब एहसास हुआ कि वो वास्तव में राहुल से प्यार करती है और दोनों ने मंच पर अपने प्यार का इजहार किया और दर्शकों ने उनकी सराहना की, जिससे नाटक का एक बार फिर सुखद अंत हुआ। इसके अलावा मंच के बीच अजय ने निशा से पूछा कि क्या वो पहले से शादीशुदा है या नहीं। अब बात करें इस फिल्म के OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है।